वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा रुविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानि राधानुगम राधिकेष्ट राधापहरत मानुसम राधाधारं भवाधारं सर्वधारं नमामितं नमः कुंज विहारिण्यै नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख सखे अवतारिणे जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज विहारी अवलोकत रह केला सखी सुख के अधिकारी गान कला गंधर्व श्याम श्यामा कुतो से उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमपोसे नृपति द्वार ठाड़े रहे और दर्शन आशा जासुकी आशुधीर उद्योत कर रसिक छाप श्री हरिदास की ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरुर पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पग वंदन किए नाश विघ्ने अनेक मंगल आदि विचार रही वस्तु न और अनूप हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुघर कै हरि कै हरिदास श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गा भव सागर से तरन को नाहिन आन उपा बार बार पद वंदौ शिनाभा भयन जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस दे श्री प्रियादास जू के पद कमल मैं बंदौ बारंबार जिनकी नी भक्ति रस बोधिनी टीकाती सुख सा
चार जुगन के भक्त जे जिनके पग की धूल सर्वस सिर धरी राखियो मेरी जीवन मूल। श्री हरि जुआई विराजी कथा रसिक हरिदास तुम श्रोता भक्त माल के तव पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हटीले बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय। भक्तों रे भगवान की जय। श्री अग्र स्वामी जी महाराज की जय। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। सा परिकर श्री भक्तमाल की जय। श्री भक्तमाल रस महोत्सव की जय। अनंत कोट संत रसिक वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री वृंदावन रज धानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। गौ माता की जय। भारत के संतों की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय राधे। मेरे आराध्य मेरे जीवन प्राण अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्प तरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दीनानाथ कृपानाथ परम आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहार जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए इस जीवन को श्री बिहार जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए श्री स्वामी हरदास जी महाराज के पावन चरणारविंद में कोटि कोटि नमन वंदन। मेरे हृदय सम्राट परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरण कमल हृदय आसन पे विराजमान करते हुए मध्य में उपस्थित आप सभी रसिक वैष्णव भक्त वृंद प्रभु प्रेमियों को हमारी जय श्री राधे। परम सौभाग्य का विषय सुश्यामा श्याम युगल सरकार के मेहती करुणा कृपा से किशोरी जी के तृतीय रस महोत्सव का आज विश्राम दिवस है और आज करुणामयी सरकार की कृपा बरसी। नित्य ही विगत दो दिनों से कोई ना कोई वैष्णव आके हम सबको अपनी वाणी का लाभ दे रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम सब के भाग्य का उदय हुआ है। हम सब परम सौभाग्य के पात्र हैं। श्रीधाम वृंदावन से अनंत श्री संपन्न श्री श्री 1008 परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान हम सब के मध्य पधारे हैं। कुछ क्षण में पूज्य बाबा महाराज हम सबको दर्शन देने के लिए यहाँ पधारेंगे। उनके पावन मुखारविंद से श्री ठाकुर जी के नाम संकीर्तन का लाभ हमें मिलेगा। लेकिन उससे पूर्व जिस श्रृंखला में हम सब बैठे हैं भक्त चरित्रों का आनंद लेते हुए उत्सव में आनंद की वृद्धि हो ऐसी कृपा किशोरी जी से मांगते हुए उनके चरणों में विनती प्रार्थना करते हुए आइए भाव से दो मिनट के लिए गुरुदेव की वंदना कर ले रसना को पवित्र करते हुए आप सब गाएं। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। हे गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है अब तक तो निभाया
आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया, सभी गाइए, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की कृपा निधान की। प्रार्थना कीजिए, घेरे जो मुझे आकर। तुम देखते ना रहना, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा। प्रेम से बोलो श्री राधे। तुम इष्ट में हो
नाथ कृपा करके, हे नाथ कृपा करके, मुझको अपना लेना। हे नाथ कृपा करके, मुझको अपना लेना। हे नाथ कृपा करके, मुझको अपना लेना। हे नाथ कृपा, दोनों भुजा उठा के पुकारो जरा, कहो मुझको अपना लेना। हो अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, जय हो जय हो, आगे भी निभा देना। कर के पपीहा हम पीहू पीहू रटा करेंगे, पन कर के पपीहा हम पीहू पीहू रटा करेंगे। बन कर के पपीहा हम पीहू पीहू रटा करेंगे, बन कर के पपीहा हम पीहू पीहू रटा करेंगे। तुम स्वाति बूंद बन कर, तुम स्वाति बूंद बन कर, प्यासे पे दया करना। तुम स्वाति बूंद बन कर, गाइए, प्यासे पे दया करना। हो 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 हो। तुम स्वाति बूंद बन कर, प्यासे पे दया करना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव पुकारो भैया, नैया उस पार लगा देना। हो, 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 अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हो, 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 हो। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। जय हो। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा, दोनों भुजा उठाइए और समर्पण भाव से आप सब पुकारे हमारे साथ। ओ जय राधे श्याम, जय जय गुरुदेव, जय राधे श्याम, जय जय गुरुदेव। हाँ जय राधे श्याम, जय जय गुरुदेव, जय राधे श्याम, जय जय गुरुदेव। ओ जय राधे श्याम, जय जय गुरुदेव, जय राधे श्याम, जय जय गुरुदेव। जय राधे श्याम, जय जय गुरुदेव, जय राधे श्याम, जय जय गुरुदेव। जय राधे श्याम, जय जय गुरुदेव।
गुरुदेव, जय राधे श्याम जय जय 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 गुरुदेव, ओ जय राधे श्याम जय जय गुरुदेव, जय राधे श्याम जय जय गुरुदेव, ओ जय राधे श्याम जय जय गुरुदेव, जय राधे श्याम जय जय गुरुदेव, ओ जय राधे श्याम जय जय गुरुदेव, 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 ओ जय राधे श्याम जय जय गुरुदेव, 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 जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोले, बोलिए श्री हरिदास, श्री हरिदास, क्या बोलना है थोड़ा और जोर से बोले, और प्रेम से बोले, और क्या बोलना है, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरे आराध्य। ये केवल तीन दिन तक ही नहीं बोलना है मेरो वृंदावन, जब तक श्वास रहे जब तक यही बोलना है, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन। श्रीधाम वृंदावन सबको अपनाता है। एक दृष्टि डालकर देखो धाम की कृपा पर, किसी का बालक कीचड़ में गिर जाए, ध्यान से सुनना, कीचड़ में सने हुए बालक को देख तो सब लेंगे, लेकिन उसे निकालने के लिए आवाज किसको लगाएंगे, उसकी मां को, अरे तेरा बालक कीचड़ में गिर गया है, जय हो, हाँ देख तो लेंगे, लेकिन उस कीचड़ से निकालने के लिए उसकी मां को पुकारते, अरे देख तेरा बालक कीचड़ में सन गया, जल्दी आए इसे उठा यहां से, और मां ने चाहे कितने ही कीमती वस्त्र पहन रखे हों, उस समय वो अपने वस्त्रों पर ध्यान नहीं देगी, छट जाके कीचड़ में से उस बालक को हृदय से लगा ले, है कि नहीं। श्रीधाम वृंदावन भी तो हमारी मां ही है। श्रीधाम वृंदावन जैसा वात्सल्य कहीं और मिल नहीं पाएगा प्रेमियों। उदाहरण के लिए कीचड़ में सना हुआ बालक जिसका हो, उसकी मां ध्यान नहीं देती कि कीचड़ में सना हुआ है, इस पे गंदगी लगी हुई है, बस कीचड़ में सने हुए बालक को देख के तुरंत हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ता है, और चाहे कितने ही कीमती वस्त्र हों, उस समय कोई परवाह नहीं, उस सने हुए बालक को वो हृदय से लगा लेती है। प्रेमियों जरा विचार करो, हम भी तो काम क्रोध मद लोभ की गंदगी से सने हुए हैं, हम में भी तो छल कपट भरा हुआ है, हम में भी तो चतुराई भरी हुई है, नाना प्रकार के अवगुण हमारे अंदर होने के बाद भी क्या श्रीधाम वृंदावन हमें आश्रय नहीं देता, क्या श्रीधाम वृंदावन हमें अपनाता नहीं। वृंदावन धाम कभी नहीं देखता, और श्रीधाम वृंदावन ने कभी ये नहीं विचारा कि मेरे अंदर केवल कोई पुण्यशाली ही आएंगे, वहां संत भी आते हैं, भक्त भी रहते हैं, वैष्णव भी रहते हैं, और हम जैसे अधमों को भी वो सहारा दे देते हैं, बुला लेते हैं, कभी विचार नहीं करते। ये धाम की कृपा है, ये धाम की कृपा है। और जब वृंदावन हमें हम जैसे काम क्रोध मद लोभ छल कपट चतुराई से सने हुए, उस कीचड़ से सने हुए जीव को वृंदावन एक मां के रूप में अपनाता है, तो हृदय में एक भाव जगता है। क्या भाव जगता है?
कि संसार ने हमें नहीं अपनाया, संसार के लोगों ने नहीं अपनाया, लेकिन कितनी करुणा कृपा है श्री धाम वृंदावन की कि हम जैसे भी हैं वो हमें उसी स्थिति में अपना रहा है, आश्रय दे रहा है। किसी को किसी का बल, किसी को किसी का बल, किसी को किसी का बल, लेकिन प्रेमियों श्यामा श्याम के चरणों में अनुराग रखने वालों को तो केवल वृंदावन का ही बल है, वृंदावन का ही सहारा है, केवल वृंदावन का सहारा है। के विद्याबल पंडितों को, पंडितों को अपनी विद्या का बल है। हमने इतना अध्ययन किया, ज्ञान ज्ञान अर्जन कर लिया, ज्ञान अर्जित कर लिया, हमने इतने वेद शास्त्र पढ़ लिए, ज्ञान का बल हो जाता है, ज्ञान का अभिमान हो जाता है साहब। के विद्याबल पंडितों को और द्रव्य बल धनियों को, धनवान को अपने पैसे का मद है, अपने धन का बल है, और बाहुबल त्यों पहलवानों ने बिचारा है। पहलवानों को अपनी अपनी भुजाओं पर बल रहता है, अपनी शक्ति पर बल रहता है। के विद्याबल पंडितों को, द्रव्य बल धनियों को, और बाहुबल त्यों पहलवानों ने बिचारा है। औषधि बल वैद्यों को, वैद्यों को अपनी अपने उस कला पर, अपनी उस औषधियों पर विश्वास है, बल है कि हम रोगों से मुक्त कर देंगे। लेकिन प्रेमियों, शारीरिक रोग से मुक्त वैद्य कर सकता है, लेकिन भव रोग से मुक्त तो श्यामा श्याम का नाम ही करता है। कि औषधि बल वैद्यों को और शांति बल साधुओं को, साधु संत अपनी एकांत में शांति में समाधि लगा के बैठे हैं, उन्हें उन्हीं का बल है, लेकिन हम जैसु का बल क्या है। औषधि बल वैद्यों को, शांति बल साधुओं को, और निंदा बल नीचों को जगत ने पसारा है। लोभी दंभी कामी कपटी इन जैसे अधमियों को निंदा स्तुतियों का बल है। कोई बात हो या ना हो, अकारण झूठ बोल दिया, अकारण असत्य भाषण करके बस कोई ना कोई विवाद खड़ा करना है साहब, उनको कोई लेना देना नहीं कि वास्तविकता क्या है। सच्चाई का तो मुकुट ही नहीं देखा, लेकिन बस अपनी आदत से मजबूर है, बस निंदा स्तुति करनी है, चुगली करनी है, निंदाओं का आनंद लेना है, उनको उसका बल। हर किसी को किसी ना चीज का बल है। हो निंदा बल नीचों को जगत ने पसारा है, और किसको कैसा बल है। ज्ञान बल ज्ञानियों को, ध्यान बल ध्यानियों को, भक्ति का प्रबल बल भक्तों ने निहारा है। भक्ति का प्रबल बल भक्तों ने निहारा है। कभी कभी भक्ति का भी अभिमान हो जाता है, कभी कभी भजन का भी अभिमान हो जाता है। इतनी माला हम जपते हैं, इतना पाठ करते हैं, तुम कितनी करते हो, दिन भर में कितनी माला हो जाती होंगी तुम्हारी, और कोई बेचारा भोला भाला कहे भाई माला का तो समय नहीं, अरे फिर क्या फायदा है। हमें देखो, हम भी तुम्हारी तरह घर गृहस्थी में फंसे हैं, लेकिन फिर भी 21 माला तो कर ही लेते हैं, तुम्हें भी करनी चाहिए। कभी कभी भजन का भी अभिमान होता है, और भजन का आनंद लेना है तो प्यारे, भजन करते करते ऐसी स्थिति बन जाए हाथ से माला छूट जाए और होठ हिलने बंद हो जाए और अंदर ही अंदर भजन चलता है, ये भजन की स्थिति। हाथ से माला छूट जाए, होठ हिलने बंद हो जाए, किसी को पता ना चले आप क्या कर रहे हो, और अंदर ही अंदर प्रिया लाल का भजन हो रहा है। के ज्ञान बल ज्ञानियों को, ध्यान बल ध्यानियों को, भक्ति का प्रबल बल भक्तों में निहारा है। और श्री हरे कृष्ण जी महाराज, श्री हरे कृष्ण सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं, इन सबको जिसका बल हो, जिस पे अभिमान हो, लेकिन हम जैसों को तो एक ही बल है, एक ही अभिमान है, किस पर,
हो चाहे जिसे हो, हरे कृष्ण चाहे जिसका बल, चाहे जिसे हो, हरे कृष्ण चाहे जिसका बल। हमें तो केवल वृंदावन का सहारा है, हमें तो केवल वृंदावन का सहारा है, हमें तो केवल वृंदावन का सहारा है। और जिसे वृंदावन आश्रय दे दे, जिसे श्री वृंदावन धाम सहारा दे दे, फिर प्रिया प्रीतम दूर थोड़ी है, दूर थोड़ी है। नाम रूप लीला धाम किसी का भी आश्रय ले लो प्यारे। भगवान का नाम श्रवण करते करते रूप का दर्शन हो जाता है, रूप का दर्शन करते करते लीलाओं का चिंतन होने लगता है, और लीलाओं का चिंतन करते करते धाम में वास हो जाता है प्यारे। नाम रूप लीला धाम, हमें तो केवल वृंदावन का सहारा है। लेकिन वृंदावन का सहारा मिले कैसे, कैसे मिले? मन तो चाहता है कि हम वृंदावन जाएं, मन तो चाहता है कि वृंदावन में बस जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं मोह माया की जंजीरें जकड़े पड़े हैं, उन पाश में बंधे हुए हैं, उन जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनसे निकले कैसे बाहर? प्रेमियों, उनसे आप अपने आप कभी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि वृंदावन वास के लिए, हरि का भजन करने के लिए साधन की आवश्यकता नहीं, ये तो कृपा साध्य है, कृपा साध्य है। बस आपको केवल यह प्रार्थना करनी है, सरकार आपकी कृपा से मानव देह मिल गया, नर्तन मिल गया, आपकी कृपा से सुंदर परिवार मिल गया, बस इतनी कृपा करना, ये सब आपने दिया, लेकिन इन सब के बीच रहते हुए मेरे हृदय से आपका नाम विस्मृत ना हो, मैं आपके नाम को ना भूलूं। हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। और केवल इतनी सी प्रार्थना से ही बात बन जाती है। इस माया के घोर जलाशय में, ये जलाशय ही तो है, ये माया का जलाशय ही तो है, जिसमें हम, कोई डूब रहा है, कोई तैर रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है, साहब चाह के भी निकल नहीं पा रहा है। इस माया के घोर जलाशय में, अरे बाहर नेक कढ़ो तो जरा, एक बार निकल कर तो देखो, जो तू आए एक पग तो मैं आऊं पग साठ। ठाकुर ने कहा तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा के देख, अगर मैं दौड़ता हुआ तुझे हृदय से लगाने के लिए ना आऊं तो कहना, लेकिन पहला कदम तो तुझे ही बढ़ाना पड़ेगा, पहला कदम तो तुझे ही बढ़ाना पड़ेगा। इस माया के घोर जलाशय में, अरे बाहर नेक कढ़ो तो जरा, निज जीवन लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य की ओर बढ़ो तो जरा। इस जीवन का लक्ष्य केवल हरि प्राप्ति है, इस जीवन का उद्देश्य केवल प्रभु प्राप्ति है, इस लक्ष्य को निर्धारित करके उस लक्ष्य की ओर बढ़ो तो सही, अगर मार्ग में ही कन्हैया ना मिले तो कहना प्यार। अरे मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग थे जो घर से निकले ही नहीं प्यारे, जो घर से निकले। निज जीवन लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य की ओर बढ़ो तो जरा, किस कारण दूर खड़े रहते, तरु प्रेम खजूर पे चढ़ो तो जरा। उस प्रेम रूपी खजूर के वृक्ष पर चढ़कर तो देखो, अगर आपको मिठास ना मिले उस प्रेम रस की तो कहना, लेकिन खजूर के फल को पाना है तो खजूर के वृक्ष पे चढ़ना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा। किस कारण दूर खड़े डरते, तरु प्रेम खजूर चढ़ो तो जरा, वह सुंदर श्याम मिलेगा तुम्हें, कब मिलेगा वह सुंदर श्याम मिलेगा तुम्हें, तुम प्रेम के पाठ को पढ़ो तो जरा, तुम प्रेम का पाठ पढ़ो तो जरा। और प्रेम, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है साहब, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। श्याम सुंदर के प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए
धाम का आश्रय लेना पड़ेगा। कल का प्रसंग श्री सूरदास जी महाराज आप सबने श्रवण किया, 5 वर्ष की अवस्था में ही घर से निकल लिए। समझ में आ गया 5 वर्ष की अवस्था में कि हित तो कीजिए कमल नयन सो, हित तो केवल कमल नयन कर सकते हैं, हित तो केवल युगल कर सकते हैं, हित तो केवल हमारे प्रिया प्रीतम कर सकते हैं। और ये भाव रख के निकल लिए और उस प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए चले हैं अपने घर से गिरिराज जी की ओर, गोवर्धन की ओर, ब्रजमंडल की ओर। और सूरदास जी महाराज ने बहुत सुंदर एक पद गाया, आप सब ने श्रवण किया होगा। सूरदास जी महाराज स्वयं कह रहे हैं अपनी रस सिद्ध वाणी से, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और हर एक भक्त ने यही कहा, मीरा ने भी यही कहा, अरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। मूल रूप से हमारे सबके प्राण पति तो केवल श्याम सुंदर हैं। इस प्रेम सगाई में बंध जाओ, इस बंधन में बंध जाओ, जीवन की अंतिम शाम तक श्याम सुंदर दुल्हा बन के हम सबको वरण करने के लिए पधारेंगे प्यार, लेकिन बनना पड़ेगा। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं भाव से श्रवण करो, हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, हाँ साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, हाँ साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक बार प्रेम से बोलो श्री बिहारी जी महाराज की। रघुराई, हाँ प्रेम विवश रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जब सीता जी का हरण करके रावण लंका में सीता जी को ले गए और सीता जी को खोजते खोजते राम जी जब वन में
विचरण कर रहे हैं और सुग्रीव ने बताया कि दक्षिण दिशा में लंका है और वन में घूम रहे हैं और लखनलाल जी कहने लगे सरकार आपको तो दक्षिण दिशा में जाना है माँ जानकी की खोज के लिए लेकिन आप विपरीत दिशा में क्यों जा रहे हो आपको दक्षिण दिशा में जाना चाहिए जानकी जी की खोज के लिए आप विपरीत दिशा में क्यों जा रहे हो। राम जी ने कहा कि विपरीत दिशा में जाए बिना दक्षिण में बैठी हुई सीता हमें मिल ही नहीं सकती। लक्ष्मण जी ने कहा कि सरकार में आपका भाव समझ नहीं पाया आपका कहने का आशय क्या है भाव क्या है स्पष्ट करके बताएं ना प्रभु। तब राघवेंद्र सरकार ने कहा देखो जानकी जी भक्ति का स्वरूप है सीता जी भक्ति का स्वरूप है और बिना भक्त के भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है इसलिए अगर जानकी रूपी भक्ति को प्राप्त करना है तो पहले शबरी रूपी भक्त की शरण में जाना पड़ेगा और भक्तमाल भी तो यही कह रहा है भक्त भक्ति भगवंत गुरु सबसे पहले भक्तों की वंदना की है और प्रेमियों याद रखना भक्तमाल में बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है प्राय हर कथा में हम कहते हैं जिस प्रकार किसी गर्भिणी स्त्री के गर्भस्थ शिशु को अगर कुछ भोजन देना हो तो उस बालक को नहीं खिलाया जाता उस गर्भवती महिला को उस मैया को खिलाया जाता है और जब उस गर्भवती मैया को भोजन जो मिलता है तो उसके गर्भस्थ शिशु को स्वतः मिलता है उसी प्रकार ये संत वैष्णव भक्त हैं अगर ठाकुर के चरणों का आनंद लेना चाहते हो वहां गर्भवती स्त्री के गर्भ में बालक है और यहाँ संत के हृदय में बिहारी जी बैठे हैं संतों के चरणों को पकड़ लो बिहारी जी के चरणों का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। राम जी ने यही कहा कि अगर सीता जी को खोजना है सीता जी भक्ति का स्वरूप है भक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्त की शरण में जाना पड़ेगा बिना भक्त की शरण में जाए भक्ति महारानी मिल नहीं सकती है साहब। हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम से बोलो श्री राधे। बसरर जुन रथ हा क्यों प्रेम के बसरर जुन रथ हा क्यों प्रेम के बसरर जुन रथ हा क्यों प्रेम के बसरर जुन रथ हा क्यों भूल गए ठकुराई हाँ भूल गए ठकुराई दोनों हाथ उठा के पुकारो सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन
गोपियन नाच ना जाई, हाँ गोपियन नाच ना जाई, पुकारिए ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ये सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ राजु सुयाग युधिष्ठर कीनो, राजु सुयाग युधिष्ठर कीनो, राजु सुयाग युधिष्ठर कीनो, राजु सुयाग युधिष्ठर कीनो, तामे झूठ उठाई, हाँ तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची ऐसे नहीं तो हाथ उठा के पुकारे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची 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 प्रेम सगाई, सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, जय जय श्री राधे, एक बार प्रेम से बोले, बोलिए श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, बोलो मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, इसका अभ्यास पता कैसे पड़ेगा आपको, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, अभी घर अपना लगता है, मेरा घर, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी संपत्ति, मेरा व्यापार, ये सब मेरा लगता है, वृंदावन कब अपना लगेगा, बस आपको छोटा सा प्रयोग करना है, क्या प्रयोग करना है, जैसे आप कहीं बाहर से घूम के आए या अपने घर से बाहर घूमने कहीं जाते हैं कुछ दिन के लिए, जाते हैं कि नहीं जाते, और लौट के वापस अपने घर आते ही हैं, वर्ष में 4-5 बार कहीं ना कहीं जाना सबका बनता ही है, 2-4-5 दिन के लिए आप लोग बाहर जाते ही हैं किसी ना किसी काम से, तो वृंदावन अपना कब लगेगा आपको पता है, मान लो आप अपने घर से कहीं घूमने गए और वापस अपने घर आ गए, भाई 4-5 दिन के लिए हम बाहर जा रहे हैं लेकिन वापस तो अपने घर ही आना है, बस हमको यही प्रयोग करना है, थोड़ा सा विपरीत कर देना है,
जैसे यहाँ से वृंदावन गए वापिस अपने घर पर आए, फिर वृंदावन गए फिर वापिस। कोई लोग हमारे नगर में तो ऐसे ऐसे ठाकुर जी के रसिक श्रोता हैं, रसिक वैष्णव हैं, जो महीने में दो दो चार चार बार भी वृंदावन हुए आते हैं। वो दो चार बार महीने में गए, दो दिन वहां बिता के आए, फिर चार दिन यहां बिताए, फिर दो दिन वहां बिताए, चार दिन वहां बिताए। तो बस प्रयोग ये करना है कि जैसे हम कहीं घूम के आ और ये कहते हैं कि अब वापिस अपने घर चलना है, ऐसी वृंदावन में जाने के बाद ये कहो कि वृंदावन मेरा है, वृंदावन से दो चार दिन के लिए बाहर घूम के आना, ऐसा जय वृंदावन अपना बन जाएगा। अरे अपने घर भी तो वापिस आते हो, तो जब वृंदावन से दर्शन करने के बाद जब बाहर जाने का अवसर आए, कहीं भी जाने का, अपने घर ही आने का, तो बिहारी जी से ये कहना, सरकार कुछ दिन के लिए बाहर थोड़ा बहुत काम व्यापार फैला हुआ है उस पर नजर डालिया है, वापिस तो अपने वृंदावन में ही आना। जिस दिन ये भाव जगेगा उस दिन फिर मेरा घर मेरा मकान नहीं कहोगे, मेरा व्यापार मेरी संपत्ति नहीं कहोगे। अगर कोई पूछेगा भाई आपका क्या है, तो आप यही कहोगे मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन। ये रसिकों का अनुभव है, संतों का अनुभव है, बस ये छोटे छोटे से प्रयोग हैं जो हमें प्रिया प्रीतम के नजदीक पहुंचाते हैं, मेरो वृंदावन। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया श्री उद्धव जी महाराज धराधाम पर श्री सूरदास जी महाराज के रूप में प्रकट हो गया है। एक प्रसंग आपने कल सुना निकुंज का, और एक इस अवतार का हेतु बना द्वापर युग में, जब कन्हैया ने उद्धव जी को गोपियों के पास संदेशा लेके भेजा, उद्धव एक बार आप हमारा संदेशा लेके ब्रजमंडल जाओ, उन रोती बिलखती तड़पती हुई मेरी ब्रज गोपियों को सहारा देके आओ, हिम्मत देके आओ, मेरा संदेशा लेके जाओ। और उद्धव आए वृंदावन धाम, गोपियों की विचित्र स्थिति देखी, ऐसी स्थिति तो उद्धव ब्रज वृंदावन आए कन्हैया का संदेशा लेके, और जब गोपियों का प्रेम देखा तो वो देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज, जो उन्हें निराकार ब्रह्म की उपासना सिखाने के लिए आए थे, जो उन्हें यह बताने के लिए आए थे कि अरे जिन्हें तुम सामान्य ग्वाला समझ के रोती हो तड़पती हो बिलखती हो, वो कोई सामान्य ग्वाला थोड़ी है, वो कोई सामान्य गाय चराने वाला थोड़ी है, वो परब्रह्म परमेश्वर है, निर्गुण स्वरूप का वर्णन करने के लिए जहां आए थे, लेकिन वृंदावन की सीमा में प्रवेश करने के बाद, उन ब्रज गोपियों के प्रेम में डूबने के बाद, वो देव ऋषि बृहस्पति के शिष्य उद्धव भी गोपी दास ही बन गए प्यारे जय। हमारे वृंदावन में देखो श्री सरयू जी, जो सरयू जी का तट है वो वैराग्य का तट है, श्री गंगा जी का तट जो है वो भक्ति का ज्ञान का तट है, और श्री यमुना जी का जो तट है वो प्रेम का तट है। आपने भागवत में श्रवण किया होगा वृंदावन में श्री यमुना जी के किनारे भक्ति महारानी तरुणी है, युवा है, और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध पड़े। वृंदावन में ज्ञान की नहीं चलती, वृंदावन में वैराग्य की नहीं चलती, वृंदावन में तो प्रेम की चलती है, प्रेम की चलती। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले भक्त को तुरंत हरि मिल जाए सा। ज्ञान से नहीं पा पाओगे, अपनी चतुराई से नहीं पा पाओगे, इन्हें पाने के लिए तो अपने अंदर धन्ना जाट जैसे भक्त को बैठाना पड़ेगा, इन्हें प्राप्त करने के लिए तो मीरा की तरह रोना पड़ेगा, इन्हें प्राप्त करने के लिए तो नामदेव जी की तरह मस्त होना पड़ेगा जब मिलते हैं। तो जब गोपियों का प्रेम देखा श्याम सुंदर के प्रति उद्धव जी महाराज ने, तो उद्धव जी महाराज के मन में इच्छा हुई, 6 महीने वृंदावन रहे, और 6 महीने जिन्होंने ब्रज गोपियों का संग किया हो, जिन्होंने श्याम सुंदर की उन गोपिकाओं का संग किया हो, उसकी मति क्यों नहीं फिरे।
ब्रज गोपियों के प्रेम को देख के उद्धव जी के मन में आया कि मैं भी श्री श्याम सुंदर के इस दिव्य प्रेम का रसा स्वादन करना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि इन ब्रजांगनाओं की तरह, इन ब्रज गोपियों की तरह अपने श्याम सुंदर के विरह में रोऊं। मैं भी चाहता हूं इन ब्रज गोपियों की तरह श्याम सुंदर की लीलाओं में खो जाऊं। हे श्याम सुंदर, बस आप मुझ पर इतनी कृपा करना, इतनी करुणा करना, इतना उपकार करना कि द्वापर में तो मैं आपका सखा उद्धव बन के आया हूं, लेकिन सरकार अगर आप थोड़ी सी भी कृपा कर दें तो मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह होगा। बस आप इतनी कृपा करना कि आने वाले युग में मैं इस धरती पर अवतार लेके आऊं, इस धरती पर मुझे भेज देना। प्राय ठाकुर को प्राप्त करने के बाद जन्म मरण के बंधन छूट जाते हैं। ठाकुर जी को प्राप्त करने के बाद कोई जन्म मरण के चक्कर में थोड़ी फंसता है, लेकिन देखो कैसे कैसे भक्तों की भावना है। उद्धव जी ने कहा, सरकार अगर आपकी कृपा मुझ पर हो जाए तो मैं कलयुग में दोबारा इस धराधाम पर आके आपके कृष्ण लीलाओं का गायन करना चाहता हूँ, आपकी कृष्ण लीलाओं का दर्शन करना चाहता हूँ। और उसी भाव की पूर्ति हेतु इस कलिकाल में, इस कलयुग में श्री उद्धव जी महाराज श्री सूरदास जी महाराज के रूप में प्रकट होके आए। और जैसा कि हमने कल बताया, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी जब अवतरित होके आए तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के समय में स्वयं भगवान कृष्ण श्री विट्ठल नाथ गोसाई के रूप में आए, और केवल अकेले ही नहीं आए, अपने अष्ट सखाओं के साथ इस धरती पर अवतार लेकर आए। और जिस समय भगवान कृष्ण विट्ठल नाथ गोसाई जी के रूप में अवतार लेके आए, उस समय कलयुग नहीं था। 35 वर्षों के लिए इस धरती पर कलयुग चलते हुए भी द्वापर युग का प्रवेश हो गया था। आप सब ने कल लीला श्रवण की ही थी, कुम्मन दास जी के साथ कैसे माखन चोरी की, गोविंद स्वामी के साथ कैसे बाली लीलाएं हुई, वो सब चली। तो सूरदास जी महाराज उद्धव जी के अवतार धरती पर प्रकट हुए, हेतु बना कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम के विरह में इतना रोए, इतना तड़पे। कहते हैं अपने जीवन काल में सूरदास जी महाराज ने ठाकुर जी के प्रेम में 125,000 पदों की रचना की थी। 125,000 पदों की रचना की। एक बार बादशाह अकबर ने सूरदास जी महाराज से पूछा कि सूरदास जी एक बात बताओ, इस समय धरती पर तुलसीदास जी भी हैं और आप भी हैं, और आप दोनों ही महान कवि हैं, आप में से, आप दोनों में से सबसे सुंदर कविता किसकी है? सूरदास जी से पूछा बादशाह अकबर ने कि तुलसीदास जी की कविता ज्यादा अच्छी है या सूरदास जी आपकी कविता ज्यादा अच्छी है? तो सूरदास जी ने कहा, बादशाह अगर सच सुनना चाहते तो सच ये है, तुलसीदास जी से ज्यादा अच्छी मेरी कविता है। आपको सुन के अचंभा लगेगा, कोई अपने मुख से प्रशंसा करता है क्या? बादशाह ने कहा, क्या तुलसीदास जी की कविता सुंदर नहीं है जो आपने कहा कि मेरी द्वारा लिखी हुई कविताएं ज्यादा सुंदर हैं? सूरदास जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। कहा, बादशाह तूने केवल कविता की बात की थी, अगर कविता की बात करते हो तो कविता मेरी सुंदर है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कविता नहीं, उनके एक एक शब्द में राम नाम का मंत्र छिपा हुआ है। वो तो महामंत्र है, वो तो महामंत्र है, तो महामंत्र है। इतना अंतरंग प्रेम रहता था उस समय रसिकों के बीच में, इतना अंतरंग प्रेम रहता था उस समय संतों के बीच में। आज वो प्रेम दिखने में नहीं आता। कीर्तन भी सब कर रहे हैं, सत्संग भी सब सुन रहे हैं, वृंदावन जाके वृंदावन के दो चार चक्कर काटने के बाद रसिकता का प्रमाण पत्र भी ले आते हैं। अब हम भी रसिक हो गए भाई, वृंदावन जाने लगे हैं, प्रमाण पत्र भी जल्दी मिलता है, लेकिन प्रेम कहां खो गया? कभी विचार किया? उस प्रेमा अवतारी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हृदय में जो प्रेम होना चाहिए था, हृदय के अंदर जो अनुराग होना चाहिए था, कहां खो गया वो प्रेम? उस प्रेम अनुराग की जगह कहां से मन में ईर्ष्या आ बैठी? कहां से मन में द्वेष आ बैठा? कहां से मन में राग आ बैठा? प्यारे कृष्ण श्याम सुंदर को अगर प्राप्त करना है, मेरे बिहारी जी को अगर प्राप्त करना है ना,
तो किसी के प्रति द्वेष राग से ठाकुर मिलने वाले नहीं हैं। श्याम सुंदर जब भी किसी को मिले हैं केवल अनुराग से मिले हैं, केवल अनुराग से, केवल अनुराग से मिले। फिर वही बिंदु जी महाराज की वो दिव्य वाणी याद आती है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मानना टलते देखा। कितना प्रेम संतों के बीच रहता, रसिकों के बीच रहता। और माफ करना प्रेमियों, जो इस मार्ग में केवल अपनी प्रसिद्धि या अपनी प्रतिष्ठा के लिए आगे बढ़ रहा है, बहुत भूल कर रहे हैं, वो कृष्ण मार्ग से बहुत दूर हैं, अभी बहुत दूर हैं। जो इस मार्ग से, जो नाम संकीर्तन, हम भी उसमें आते हैं, दास तो अपनी ही बात कर रहा है, जो नाम संकीर्तन के माध्यम से, जो सत्संग के माध्यम से, जो कथा प्रवचनों के माध्यम से केवल यह चाहता है कि इन सब को करने से बढ़िया प्रतिष्ठा मिलेगी, इन सब को करने से बढ़िया मान सम्मान सम्मान समाज में होगा, प्यारे बड़ी भूल है। क्योंकि ना मान अपना है, ना सम्मान अपना है, ना अपमान अपना है, सब कुछ ही तो गोविंद का है। कृष्णार्पणमस्तु है, यहाँ तो सब कुछ उसी का है, अपनी कुछ नहीं है। इसलिए निवेदन है श्याम सुंदर से प्रेम करने के लिए, एक एक रसिक से प्रेम करना सीख जाओ, एक एक वैष्णव से प्रेम करना सीख जाओ। सूरदास जी महाराज को कोई अपमानित करे तो भी प्रेम करें, कोई सम्मान करे तो भी प्रेम करें। ना सूरदास जी महाराज पर किसी का मान हावी होता है, ना सूरदास जी महाराज पर किसी का अपमान हावी होता है। किसी के द्वारा दिए गए सम्मान से सूरदास जी कभी प्रफुल्लित नहीं होते, और किसी के द्वारा किए गए तिरस्कार से श्याम सूरदास जी महाराज कभी उदास नहीं होते। सब कुछ ही तो गोविंद का है। सूरदास जी ब्रजमंडल पधारे, बड़ी सुंदर चौपाई श्री भक्तमाल जी में है सूरदास जी के, आप सब श्रवण करें। यह सुवासना उद्धव के तब रही आए ब्रज एक बार जब, यह सुवासना उद्धव के तब रही आए ब्रज एक बार कब। बिना ब्रजमंडल में आए उन महादानी महाज्ञानी उद्धव जी के हृदय में भी प्रेम प्रकट नहीं हुआ भैया, और जिस समय ब्रजमंडल में आए तो बस एक ही भाव जग गया, एक ही सुवासना उद्धव के मन में जग गई कि बस एक बार कन्हैया को प्रेम की लीला का दर्शन करना है, एक बार मैं उस कृष्ण को देखना चाहता हूँ जो कृष्ण गोपियों के लिए सजते हैं, जो कृष्ण गोपियों के लिए आनंद देते हैं, जो कृष्ण उन ब्रजांगनाओं के लिए कभी छछियावर छाछ पे नाच नचा जाते हैं साहब, उन कृष्ण को देखना चाहता हूँ, अब निराकार नहीं अब साकार कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूँ। यह सुवासना उद्धव के तब रही आए ब्रज एक बार कब, यह सुवासना उद्धव के तब रही आए ब्रज एक बार कब। गोपिन को अनूपे अनुरागा हरि लीला को ब्रज सब जागा, गोपिन को अनूप अनुरागा हरि लीला जो सब ब्रज जागा, हे गोपिन को अनूप अनुरागा हरि लीला को ब्रज सब जागा, गोपिन को अनूप अनुरागा हरि लीला को सब ब्रज जागा। सो रसना ते वर्णन करहूं वर संतोष ही है पर घर हूँ, सो रसना ते वर्णन करहूं पर संतोष ही है पर धर हूँ, कीने यही वासना काही उद्धव प्रगट भये कलिमाही, कीने यही वासना काही
सब प्रगट भए कलिमाए ओ कीने यही वासना काहे उद्धव प्रगट भए कलिमाए कीने यही वासना काहे उद्धव प्रगट भए कलिमाए सूरदास ते संत शिरोमणि विरचे सवा लाख पद को गुणी सूरदास ते संत शिरोमणि विरचे सवा लाख पद को गुणी सूरदास ते संत शिरोमणि विरचे सवा लाख पद को गुणी सूरदास ते संत शिरोमणि और उसी भाव का आनंद लेते हुए दोनों भुजा उठाइए जय वल्लभ विठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलहारी जय वल्लभ विठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलहारी जय वल्लभ विठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलहारी जय वल्लभ विठल गिरधारी धरानंद में यमुना जी की बलहारी धरा धाम पर भक्तमाल कथा रस महोत्सव में आज ठाकुर जी के नित्य परिकर से ठाकुर जी के नित्य सखा श्री उद्धव जी महाराज सूरदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं आज बधाई का पर्व है एक बार जय घोष लगाओ श्री सूरदास जी महाराज की श्री उद्धव जी महाराज की जय वल्लभ बेठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलहारी जय वल्लभ बेठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलहारी जय वल्लभ बेठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलहारी जय वल्लभ बेठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलहारी जय वल्लभ बेठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलहारी दोनों हाथ उठा के जय वल्लभ बेठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलहारी जय वल्लभ बेठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलहारी जय वल्लभ बेठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलहारी जय वल्लभ बेठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलहारी जय वल्लभ बेठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलहारी जय वल्लभ बेठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलहारी ओ जय वल्लभ बेठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलहारी जय वल्लभ बेठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलहारी जय वल्लभ बेठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलहारी जय वल्लभ बेठल गिरधारी समर्पण भाव से पुकारते हुए बोले बलहारी जय वल्लभ बेठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलहारी जय वल्लभ बेठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलहारी जय वल्लभ बेठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलहारी जय वल्लभ बेठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलहारी याद रखना जो भगवान के प्यारे दुलारे भक्तों के उत्सव में आनंद लेता है जो ठाकुर जी के प्यारे दुलारे भक्तों के उत्सवों में आनंद लेता है उस भक्त के जीवन के हर क्षण में ठाकुर जी परमानंद भर देते हैं प्यारे वल्लभ बेठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलहारी वल्लभ
आवे तल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। जय बल्लभ बेटल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। जय बल्लभ बेटल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। जय बल्लभ बेटल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। जय बल्लभ बेटल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। जय बल्लभ बेटल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। जय बल्लभ बेटल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। बल्लभ बेटल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। बल्लभ बेटल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। जय बल्लभ बेटल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। जय बल्लभ बेटल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। जय बल्लभ बेटल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री सूरदास जी महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। कल आपने श्रवण किया, सूरदास जी 5 वर्ष के सूरदास जी घर से निकले और घर से निकलने के बाद ठाकुर जी के प्रेम मार्ग के पथिक बने और उस मार्ग पर चलते चलते सूरदास जी ब्रजमंडल पधारे। ब्रजमंडल में चंद्र सरोवर के पास सूरदास जी महाराज ने अपना आसन जमाया। आज भी गिरिराज जी का दर्शन करने आप जाओ तो चंद्र सरोवर नामक एक स्थान है, दिव्य स्थान है। तो चंद्र सरोवर में ही विराज कर सूरदास जी ने अपने भजन साधना की भजन स्थली बनाया। कहते हैं एक दिन सूरदास जी महाराज अपने आनंद में मस्ती में झूमते हुए जा रहे थे। ध्यान से श्रवण करना सावधानी पूर्वक। और जाते जाते मार्ग में एक कुआं आ गया जो खाली था, जलहीन कुआं जिसमें जल नहीं था, पानी नहीं था। और सूरदास जी ठहरे, दृष्टि तो थी नहीं। और चलते चलते मार्ग में उस जलहीन कुएं में सूरदास जी महाराज गिर गए। कोई दुख नहीं, कोई उदासी नहीं, किसी प्रकार का मन में कोई रोष नहीं आया, कोई कष्ट नहीं हुआ। और बताते हैं संत महानुभाव कि 7 दिन तक सूरदास जी उस कुएं में ही बैठे रहे, गिरे रहे, कौन उठाए कौन निकाले। जय। और 7 दिन तक सूरदास जी ने श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की, अनेकों पदों की रचना भी उस कुएं में बैठ गई। प्रार्थना के विनय के पद सूरदास जी महाराज ने गाए और ऐसे सुंदर सुंदर पद उस कुएं में गिरने के बाद सूरदास जी ने गाए कि ठाकुर जी भी रह नहीं पाए। और 7वें दिन सूरदास जी के नेत्र सजल हैं, ठाकुर जी को विनय के पद सुना रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और ठाकुर जी कब तक भक्तों की प्रार्थना को अनसुनी कर सकते हैं। हमने पहले भी कहा था और आज फिर कहें, प्यारे पलक झपकने में देर हो सकती है लेकिन ठाकुर के दर्शन में देर नहीं है, अगर हृदय में वेदना हो। जय। पलक झपकने में देर हो सकती है लेकिन ठाकुर जी के मिलने में देरी नहीं है। 7 दिन तक सूरदास जी ने उस अंधकूप में बैठ के नाम उच्चारण किया, नाम संकीर्तन किया, अनेक पद गाए, विनय के पद गाए और 7वें दिन स्वयं श्याम सुंदर उस कुएं के पास प्रकट हो गए। और कहते हैं श्याम सुंदर ने सूरदास जी को आवाज लगाई, बाबा बाबा इस खाली कुएं में क्या कर रहे हो। ठाकुर जी की मधुर वाणी सुन के सूरदास जी के मन को आनंद हुआ, जाने कौन बालक है जो इतना मधुर बोल रहा है। बाबा ठहरो, मैं आपको निकालता हूं, मैं आपको बाहर निकालता हूं, लगता कई दिन से आप कुएं में बैठे। और ठाकुर जी ने अपना कर कमल कुएं के अंदर पधराया और कहा, बाबा अपना हाथ ऊपर उठाओ,
और सूरदास जी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। सूरदास जी ने जैसे ही अपने हाथ को उठाया, ठाकुर जी ने अपने कर कमल को बढ़ाया और सूरदास जी का हाथ पकड़ के ऊपर खींच लिया, बाहर निकाल दिया उसको। ठाकुर जी के करकंज का, ठाकुर जी के कर कमल का कोमल स्पर्श पाते ही समझ गए, भाई इतना मधुर स्पर्श, इतना मृदुल स्पर्श, इतना कोमल स्पर्श किसी और का नहीं हो सकता, ये किसी नर का, किसी मानव का नहीं, ये तो साक्षात गोविंद ही मेरी रक्षा करने के लिए आए, अनुभव हो गया। करकंज का स्पर्श करते ही और बाहर निकले और कन्हैया ने बलपूर्वक हाथ छुड़ाया, कहा बाबा तुम बाहर निकल गए, अब मैं जाऊं, अब मैं जाता हूं, आप बाहर निकल गए, आपको जहां जाना है सीधा मार्ग है, आप जा सकते हैं। और सूरदास जी ने कहा प्यारे भले ही मैं नेत्रहीन हूं लेकिन थोड़ी चतुराई तो हम भी रखते हैं, आप चतुर शिरोमणि हैं लेकिन आपको चाह चाह के थोड़ी चतुराई तो हमारे अंदर भी आ गई। और प्यारे याद रखना इष्ट के गुण उपासक में आते ही आते, राम जी के भक्तों को देखो वो थोड़ा से मर्यादित, थोड़े से उदास से, बड़े सादे से मिलेंगे, लेकिन कन्हैया को चाहने वाले तो चंचल ही मिलेंगे, चपल ही मिलेंगे। कन्हैया को चाहने वाले कैसे होते हैं, ये टेढ़े से प्रसन्न, टेढ़ी बातन सो अति प्रसन्न। कन्हैया टेढ़े है ना, तीन ठोर से, कमर से, चरण से, गर्दन से टेढ़े, ये टेढ़े से प्रसन्न, टेढ़ी बातन सो अति प्रसन्न, और टेढ़े टेढ़े लक्षण अनेक प्राण प्यारे के। हमारे कन्हैया ने कोई सीधी लीला नहीं की, किसी के यहाँ माखन चुराया, किसी की मटकी फोड़ी, किसी के चीर चुराए, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी के बालकों को जाके रुलाया है, एक भी सीधी लीला कन्हैया ने नहीं की। ये टेढ़े से प्रसन्न, टेढ़ी बातल सो अति प्रसन्न, टेढ़े टेढ़े लक्षण अनेक प्राण प्यारे के, ये तो कन्हैया के लक्षण हो गए, लेकिन कन्हैया के चाहने वालों के भी लक्षण कुछ कम नहीं प्यारे। कन्हैया से प्रेम करने वाले भी सीधे नहीं होते हैं, वो भी भुजा उठा के कहते हैं टेढ़े टेढ़े लक्षण अनेक प्राण प्यारे के, और हमसे भी टेढ़ाई भूल मत करियो कोई भी, क्योंकि हम हैं उपासी एक टेढ़ी टांग वारे के, हम हैं उपासी एक टेढ़ी टांग वारे के। अरे हम भी तो टेढ़ी टांग वारे के उपासक ही हैं प्यारे, अगर आप चतुर हो तो हम भी तो उस चतुर के ही उपासक हैं, और उपासक के अंदर उपास्य के गुण ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। सूरदास जी की बाह छुड़ा के श्याम सुंदर जाने लगे, बलपूर्वक सूरदास जी से हाथ छुड़ा लिया श्याम सुंदर ने, और सूरदास जी ने कहा श्याम सुंदर जाते जाते एक बात सुनते जाओ। कन्हैया ने कहा बाबा क्या कहना चाहते हो, कहा बस इतना ही कहना चाहता हूं बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए। अरे मुझे दिखता नहीं है, मैं निर्बल हूं, दुर्बल हूं, इसलिए आप अपने बल का प्रयोग करके अपनी बाह छुड़ा के मुझसे दूर जाना चाहते हो, लेकिन कन्हैया बताऊं आप मुझसे दूर नहीं जा सकते, आप मुझसे दूर नहीं जा सकते। कन्हैया ने कहा बाबा मुझे जाना है, कहा नहीं आप मुझसे ज्यादा बलशाली नहीं हो सकते कन्हैया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अरे बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तो सबल जानूंगो, तो आप मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ, आप मेरे दिल से निकल कर दिखाओ, तब मैं आपको बलशाली मानू। कन्हैया रीझ गए सूरदास जी के भोलेपन पर, और कन्हैया ने कहा बाबा आपके मन में कोई जिज्ञासा है, आपके मन में कोई इच्छा है, और मन ही मन सूरदास जी विचार कर रहे थे देखो तो सही मेरा दुर्भाग्य तो देखो, ठाकुर जी मेरे निकट हैं, ठाकुर जी मेरे समीप हैं, श्याम सुंदर अपनी त्रिभंगी रूप माधुरी को लेके मेरे समीप प्रकट हैं, लेकिन मैं उनका दर्शन नहीं कर सकता, मेरा दुर्भाग्य देखो मैं उनका दर्शन नहीं कर सकता। और सूरदास जी महाराज के ये हृदय के भाव श्याम सुंदर से कहाँ छिपे, और श्याम सुंदर ने कहा बाबा कोई इच्छा हो तो बताओ।
सूरदास जी ने कहा, कन्हैया बस एक ही इच्छा है, अगर ये नेत्र होते तो मैं एक बार आपकी दिव्य झांकी कर लेता, बस आपके रूप का रसपान कर लेता। कन्हैया समझ गए और कन्हैया ने श्री जी का आह्वान किया, राधा रानी का आह्वान किया और सूरदास जी के निकट युगल सरकार प्रकट हो गई, श्याम सुंदर श्री राधा रानी प्रकट हो गई। अब कन्हैया ने थोड़ा सा कौतुक फिर किया, थोड़ा सा अभिनय फिर किया। कन्हैया ने कहा नहीं तथास्तु, आपको हमारा दर्शन होगा। कन्हैया ने थोड़ा सा अभिनय किया, कन्हैया के निकट श्री जी विराजमान हैं, श्री जी खड़ी हैं और कन्हैया ने कहा राधा रानी, और इतनी जोर से बोले कि सूरदास जी के कानों तक आवाज पहुंच जाए, राधा रानी आप कहां जा रही हो? मार्ग में ये बाबा खड़ा है, अगर आप इसे मिल गई तो ये आपके चरणों को पकड़ेगा और फिर छोड़ेगा नहीं। मेरी भी बाह इसने नहीं छोड़ी थी, मैंने अपनी बाह पकड़ाई थी, बड़े बलपूर्वक मैंने इससे अपनी बाह छुड़वाई है। आप तो अति कोमल हैं, सुकुमारी हैं, आप इधर मत जाइए, इधर ये बाबा खड़ा है, कहीं इसने आपके चरण पकड़ लिए तो ये आपके चरण छोड़ेगा नहीं। किशोरी जी ने भी अभिनय किया, समझ गए लाल जी लीला करना चाह रहे हैं और किशोरी जी ने कहा लाल जी आप कुछ भी कहो, मैं तो उधर ही जाऊंगी, अगर बाबा चरण पकड़ भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। सूरदास जी सब सुन रहे हैं, समझ में आ गया कि प्रिया प्रीतम की नित्य लीला चल रही है और किशोरी जी ने कहा कोई बात नहीं, बाबा तो दिखता तो है नहीं, मैं जाके तो देखूं। और श्री जी आ गई और सूरदास जी के निकट पहुंच के बोली बाबा क्या तू मेरे चरण पकड़ेगा, क्या तू मेरे चरण पकड़ेगा? सूरदास जी बोले इच्छा तो बहुत है लेकिन लाली मेरे पास तो दृष्टि ही नहीं है, मैं चरण कैसे पकड़ू आपके, मैं देख ही नहीं सकता, मुझे कैसे पता आप कहाँ खड़ी हैं, आपके चरण कमल कहाँ हैं, मैं चाहता तो हूं आपके चरणों का स्पर्श करूं, आपके चरणों का दर्शन करूं लेकिन मुझे दिखता नहीं है। अच्छा, कन्हैया ने फिर अभिनय किया, कन्हैया ने कहा किशोरी जी आप अपने दाएं चरण को आगे मत करो, ये बाबा पकड़ लेगा, बिल्कुल दाएं चरण के सामने ही ये बाबा खड़ा हुआ है, ये पकड़ लेगा झुक के। कन्हैया बताए जा रहे हैं, अभिनय चल रहा है, देखो भगवान भक्त को कैसे दर्शन करा रहे हैं, एक नेत्रहीन को दर्शन करा रहे हैं। श्री जी से कहा श्री जी लाडलीजू आप अपने दाएं चरण को आगे मत बढ़ाना क्योंकि आपके दाएं चरण के निकट ही ये बाबा खड़ा है, आपके चरणों को पकड़ लेगा। अब इतने में सूरदास जी भी समझ गए कि कन्हैया भी यही चाहते हैं कि मैं श्री जी के चरणों को पकड़ लूं और श्री जी ने जैसे ही दाया चरण आगे बढ़ाया सूरदास जी महाराज चरणों में गिर गए और चरणों को पकड़ लिया और अश्रु प्रवाहित होने लगे। आज अपने अश्रु से ही श्री जी के चरणों का प्रक्षालन कर दिया सूरदास जी ने, चरणों का अभिषेक कर दिया। अब चरण पकड़े तो सूरदास जी को फिर वही आनंद आया और भैया श्री जी के चरण जिसके हाथ में आ जाए वो कोई छोड़ना चाहेगा? चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने नाम राधिका गाऊं, जा रज को सनकादिक तरसत सोरज शीश चढ़ाऊं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत विमल विमल जस गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। कई भाग्य से किशोरी जी के चरण रज की प्राप्ति हो जाए और सूरदास जी को चरण रज के साथ साथ चरणों की ही प्राप्ति हो गई, भला श्री जी के चरणों को छोड़ के फिर वो कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? श्री जी के चरणों को पकड़े बैठे हैं सूरदास जी महाराज। श्री जी ने कहा बाबा हमारे श्याम सुंदर ठीक ही कहते थे कि तू चरण पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं, हमारे चरणों को छोड़ो, हमें नित्य रास के लिए जाना है, हमारे नित्य रास को समय है गयो है, हमें नित्य रास में पधारनो है, आप हमारे चरणन को छोड़ो। लेकिन चरणन को पकड़ के सूरदास जी की तो भाव समाधि लगी हुई है, भाव समाधि में होश ही नहीं है। और याद रखना प्रेमियों, जिसे है होश दुनिया का वो दीवाना नहीं होता। अगर श्याम सुंदर के निकट पहुंच के संसार याद आ रहा है तो और सावधानी की आवश्यकता है।
श्याम सुंदर के निकट बैठ के आसपास की बुराइयां नजर आ रही हैं, कौन बैठा है, कौन क्या कर रहा है, तो अभी और सावधानी की आवश्यकता है, और सावधान होना पड़ेगा। सूरदास जी महाराज के कर कमलों में श्री जी के चरण कमल हैं, भाव समाधि में डूबे हुए हैं सूरदास जी महाराज, और श्री जी ने बलपूर्वक अपने चरण छुड़ाए, और श्री जी ने जैसे ही बलपूर्वक अपने चरणों को छुड़ाया तो श्री जी के श्री चरण के नूपुर सूरदास जी महाराज के हाथ में आ गए। श्री जी ने चरण छुड़ा लिए और श्री जी के चरण का एक नूपुर श्री सूरदास जी महाराज के हाथ में रह गया। अब श्री जी ने कहा, बाबा हमें नित्य रास के लिए जाना है, हमारे नूपुर वापिस करो, आपके हाथ में हमारे नूपुर है। अब सूरदास जी भी थोड़ी चतुराई का दर्शन करा रहे हैं, कहा नूपुर तो हमारे पास है श्री जी, लेकिन हम ये कैसे जाने कि आप ही के नूपुर हैं, आप ही के नूपुर हैं। श्री जी कैसे पहचाने, ये नूपुर मैं आपको वापस तो दे दूंगा, ये नूपुर मैं आपको लौटा दूंगा, लेकिन श्री जी पहले आपके दूसरे चरण कमल के नूपुर से इन नूपुरों का मिलान तो कर लूं कि आप ही के हैं कि किसी और के हैं। आज आप कह रही हो कि मेरे चरण के नूपुर आपके हाथ में हैं, आपके बाद कोई और आया कि वो नूपुर मेरे थे, तो मैं कहां से नूपुर लाके दूंगा। श्री जी पहले मैं आपके चरणों के दूसरे चरण के नूपुर से इन नूपुर का मिलान कर लूं, मैं आपको सहर्ष वापिस लौटा दूंगा। लाल जी समझ गए कि अब इनके हृदय में दर्शनों की जिज्ञासा प्रबल होती जा रही है, हम भी लीला कर रहे हैं और भक्त भी लीला कर रहे हैं। लाल जी ने, प्रिया जी ने एक एक वरद हस्त लाल जी का, एक वरद हस्त प्रिया जी का, और दोनों ने अपने वरद हस्त को सूरदास जी के नेत्रों पर जैसे ही पधराया, सूरदास जी को दिव्य दृष्टि आई और सूरदास जी को साक्षात श्री युगल सरकार का दर्शन प्राप्त हुआ, साक्षात युगल सरकार का दर्शन प्राप्त हो गया, भक्तों भगवान का मिलन हो गया था। दोनों का दर्शन करके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो गए, रो रहे हैं। जिन्होंने 125,000 पदों की रचना की, आज शब्दकोश में शब्द खाली हो गए, आज शब्द नहीं निकलते, आज कोई पद नहीं बनता, आज तो अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है और उन नेत्रों से प्रिया लाल के रूप माधुरी का रसपान कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं। और सच्चाई भी यही है, सरकार आ जाए ना, कोई प्रेमी रोने वाला हो, उनकी याद में रोता हो और गोविंद दर्शन दे दे, और दर्शनों के बाद भी अगर आंख के आंसू ना सूखे तो गोविंद पूछ लेते, अरे जीवन भर तू मेरे दर्शनों के लिए रोता रहा, अब जब मैंने तुझे अपने दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करा दिया तो अब भी रोता है, अब रोने की बात कहां रही, अब रोने का कारण क्या है, क्यों रो रहा है। तू इसलिए रोता था कि तुझे मेरा दर्शन नहीं होता था, अब जब मेरे दर्शनों को तू प्राप्त कर रहा है तो क्यों रो रहा है। तो उस प्रेमी हृदय ने कहा, सरकार मेरे दिल के जज्बात आंसू बन के जब जमी पर गिरने लगे, मेरे दिल के जज्बात आंसू बनकर जब जमी पर गिरने लगे, ये वही शब्द थे जो जुबान तक पहुंच ना पाए, ये वही शब्द थे जो जुबान तक पहुंच ना पाए। 125,000 पदों की रचना करने वाले सूरदास जी महाराज आज मौन हो गए, उनका शब्द कोश खाली हो गया, कोई पद की रचना नहीं, कोई छंद नहीं, कोई स्तुति नहीं, कोई विनय नहीं, बस अविरल नेत्रों से निहार रहे हैं, अविचल नेत्रों से निहार रहे हैं उस युगल स्वरूप को। और युगल स्वरूप ने, युगल सरकार ने सूरदास जी को उठाया और कहा, सूरदास जी का कोई और शेष इच्छा है। सूरदास जी आज हम आपके भाव पर रीझ गए, आप जो मांगोगे आपको वो देंगे, आप के मन में कोई इच्छा है, कोई भाव है, आप हमसे कुछ चाहते हैं, आप हमसे अगर कुछ चाहते हैं तो सूरदास जी आप शीघ्र बोले, आज आपके ऊपर त्रिलोकी का वैभव नोछावर कर देंगे। सूरदास जी रोते हुए बोले, सरकार चाहत तो है और चाहत नहीं तो ये हाल कर दिया हमारा, लेकिन हमारी चाहत में अंतर है। युगल सरकार ने कहा, क्या चाहत है, क्या चाहते हो। श्याम सुंदर बोल रहे, क्या चाहते हो। सूरदास जी महाराज ने कहा, प्यारे
हम आपसे चाहते नहीं, हम तो केवल आपको चाहते हैं, केवल आपको चाहते हैं। अरे वो और होंगे जिन्हें होंगी शिकायत तुमसे, ए बंदा नवाज हमें तो सिर्फ मोहब्बत है तुमसे, सिर्फ मोहब्बत है तुमसे। सूरदास जी का ये भाव हृदय में छू गया युगल सरकार के, का सूरदास जी फिर भी कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो, हमारा दर्शन अमोघ है, आप जो मांगोगे वही मिल जाएगा। और कल आपने सूक्ष्म लीला श्रवण की थी, भक्त की मांग तो देखो, भक्त ने क्या मांगा गोविंद से, भक्त ने क्या मांगा युगल सरकार ने। सूरदास जी ने कहा, सरकार बस मैं, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इतना दे देना सरकार, जिन नेत्रों ने आपकी इस रूप माधुरी का रसपान किया है, ये नेत्र दोबारे संसार को ना देखे, ये नेत्र दोबारे संसार को ना देखें, सरकार बस इतनी कृपा कर देना। आप, मैं जानता हूं कि आप कुछ देर में अंतर ध्यान होने वाले हैं, आप कुछ देर में मुझे छोड़ के यहां से जाने वाले हैं, सरकार जब आप अंतर ध्यान हो ना तो मुझे पहले की तरह ही सूरदास कर देना, नेत्रहीन कर देना। क्यों? क्योंकि जिन नेत्रों ने आपको निहार लिया हो उन नेत्रों से संसार देखने योग्य नहीं है, देखने योग्य। कैसी सुंदर मांग, कैसी सुंदर मांग। सूरदास जी महाराज के भाव पर रीझ गए और सरकार अंतर ध्यान हुए और सूरदास जी महाराज पूर्वत नेत्रहीन हो गए, दृष्टि चली गई। श्रीनाथ जी के मंदिर में सूरदास जी महाराज को कीर्तन की सेवा मिली हुई थी, मंगला से लेकर शयन तक। और श्रीनाथ जी के मंदिर में एक प्रथा कि जो पद एक बार श्रीनाथ जी को सुना दिया, ठाकुर जी को सुना दिया, वो पद फिर दोबारा सेवा में नहीं गाया गया। ये अष्टछाप के सखा अष्ट सखाओं ने इतना पदों की रचना की है, इतनी पदों की रचना की है कि अष्टछाप के सखाओं जैसा ग्रंथ, इतना विस्तृत ग्रंथ और कोई देखने में दूसरा मिलता नहीं है क्या? दूसरा ग्रंथ ऐसा देखने में, इतना विस्तार पूर्वक इतना बड़ा ग्रंथ देखने में मिलता नहीं है। शायद इसीलिए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने श्री सूरदास जी महाराज को पुष्टि मार्ग का जहाज बता दिया कि ये पुष्टि मार्ग के जहाज है, जो भव सागर से तरना चाहे तो सूरदास जी रूपी उस पुष्टि मार्ग के जहाज के पथिक बन जाओ, भव सागर से पार हो जाओगे। मूल बात यही कि बिना भक्त के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। श्रीनाथ जी महाराज का मंगला का दर्शन खुला और जो श्रृंगार होए, जैसा श्रृंगार श्रीनाथ जी का होता, सूरदास जी उसी श्रृंगार का वर्णन अपने पद में कर देते। मानो आज ठाकुर जी ने गुलाबी रंग की पोशाक पहनी है तो आज गुलाबी रंग का ही वर्णन अपने पदों में हो रहा है, गुलाबी पुष्प लगे हैं, गुलाबी पोशाक है, गुलाबी हार है। मानो आज चंदन का श्रृंगार है तो आज सूरदास जी चंदन के श्रृंगार का ही वर्णन कर रहे हैं। मानो आज हरियाली तीज का दर्शन है तो आज सूरदास जी लाल जी के हिंडोले का दर्शन कर रहे हैं, बिना देखे उस स्वरूप का दर्शन करते थे सूरदास जी महाराज। और प्रेमियों याद रखना, गोविंद का दर्शन इन नेत्रों से नहीं होता, गोविंद का दर्शन तो हृदय के नेत्रों से होता है, हृदय की आंख से होता है। जय गोसाई जी महाराज को, विठलनाथ जी गोसाई जी महाराज को बड़ा सुख मिलता, समस्त वैष्णवों को बड़ा सुख मिलता, जिस समय सूरदास जी महाराज श्रीनाथ जी को पद सुनाते सब मंत्रमुग्ध हो जाते, सब मंत्रमुग्ध हो जाते। लेकिन सभी भक्त नहीं होते, हमने कहा ना कि भक्त के जीवन में कठिनाइयां कष्ट और कुछ ना कुछ विशेष कारण बने रहते हैं। तो किसी ने कहा कि हमको ऐसा लगता है कि सूरदास जी की मित्रता श्री विठलनाथ गोसाई जी से है, ये दोनों प्रगाढ़ मित्र हैं, हमें ऐसा लगता है, संदेह देखना भक्त की भक्ति पर, भक्त की भक्ति पर संदेह हुआ। और किसी ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि गोसाई जी जो श्रृंगार श्रीनाथ जी को धारण कराते हैं, ठाकुर जी को श्रृंगार करने से पहले गोसाई जी सूरदास जी को बता देते होंगे
कि आज हम ऐसा श्रृंगार करेंगे तो आप उसी के अनुरूप पद गाना। जब सूरदास जी को दिखता ही नहीं तो ये एकदम वही पद क्यों गा देते हैं, कैसे गा देते हैं, जैसा श्रृंगार वैसा पद गाते हैं, इन्हें तो दिखता ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि गोसाई जी महाराज श्रृंगार करने से पूर्व सूरदास जी महाराज को बता देते होंगे कि आज हम ऐसा श्रृंगार करेंगे, आज मुकुट थोड़ा तिरछा होगा, आज हाथ में बांसुरी होगी, आज करधनी होगी, आज ये श्रृंगार होगा, आज ये श्रृंगार होगा, आज पटका थोड़ा लटका हुआ होगा, आज पटका थोड़ा झालरदार होगा। जैसा श्रृंगार करना हो वैसे श्रृंगार का वर्णन सूरदास जी के आगे गोसाई जी पहले ही कर देते होंगे और उसी के अनुरूप वो पद सुना देते होंगे। सूरदास जी की परीक्षा लेनी चाहिए और वो लोग गोसाई श्री विठल नाथ जी महाराज के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, गोसाई जी हम ये जानना चाहते हैं कि सूरदास जी महाराज को कुछ दिखता नहीं लेकिन जैसा आप श्रृंगार करते हैं उसी श्रृंगार का वर्णन सूरदास जी महाराज अपने पदों में कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इनको आके पहले ही बता देता है कि आज ऐसा श्रृंगार होगा, आज ऐसा श्रृंगार होगा। गोसाई जी ने समझाया, देखो वो परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, वो इन नेत्रों से दर्शन नहीं करते, उनके हृदय में युगल का विहार हो रहा है, वो तो हृदय के नेत्रों से सरकार का दर्शन करते हैं, उनके आगे लीला होती रहती है, वो नित्य लीला का दर्शन करते रहते हैं, ऐसे भक्त को कुछ बताया नहीं जाता। जो भक्त लीला दर्शन कर रहे हैं वही भक्त अपनी वाणी में गाने लगते हैं, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोगों ने कहा, बाबा चलो आपकी बात भी ठीक मानी लेकिन हम प्रमाणित करना चाहते हैं कि अगर सूरदास जी को बिना देखे ही श्रीनाथ जी का दर्शन होता है और श्रीनाथ जी ही स्वयं बताते हैं तो एक बार परीक्षा करने में हर्ज क्या है। गोसाई जी समझ गए और गोसाई जी ने कहा कि अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है, वैसे तो अपराध बनता है लेकिन शायद श्रीनाथ जी अपने भक्त सूरदास जी की कीर्ति को और बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे हृदय में ऐसा भाव दिया है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो सूरदास जी की परीक्षा हम भी लेंगे। और लोगों ने कहा, बाबा आप जैसा श्रृंगार रोज करते हैं वैसा श्रृंगार मत करना, कुछ ऐसा श्रृंगार करना, कुछ ऐसा विलक्षण श्रृंगार श्रीनाथ जी का करना, कुछ ऐसा विचित्र श्रृंगार श्रीनाथ जी का करना जो आज से पहले किसी ने किया ही ना। और प्रेमियों, श्री गोसाई विठल नाथ जी महाराज ने कुछ ऐसा ही विलक्षण श्रृंगार श्रीनाथ जी का कर दिया, नवनीत प्रिया का कर दिया। कैसा श्रृंगार, अंदर श्रृंगार हो रहा है, पर्दा लगा हुआ है और एकाएक पर्दा खुला और मंदिर में जितने वैष्णव थे सब मौन बैठे हैं और एक बोला, सूरदास जी श्रीनाथ जी की झांकी खुल गई है, आज श्रृंगार का वर्णन नहीं करोगे कि आज कैसा श्रृंगार है, आज जैसा श्रृंगार तो आज तक गोसाई जी ने किया नहीं, रोज आप श्रृंगार का वर्णन करते हो, पद सुनाते हो श्रीनाथ जी को, क्या आज श्रृंगार का वर्णन नहीं करोगे। और सूरदास जी नेत्रों को नीचे किए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। फिर किसी ने कहा, अरे बाबा हंसते ही रहोगे, आज श्रृंगार का वर्णन नहीं करोगे क्या, अरे इतना सुंदर श्रृंगार आज से पहले ऐसा दर्शन ही नहीं किया, इतना सुंदर श्रृंगार हुआ है। सूरदास जी मुस्कुरा रहे। फिर किसी ने कहा, बाबा हंसते ही रहोगे, शायद हमें लगता है जो हमने सोचा था वही सच है, अगर आपको दर्शन हो रहा है तो आप श्रृंगार का वर्णन क्यों नहीं कर रहे, श्रीनाथ जी का कैसा श्रृंगार है। सूरदास जी ने कहा, भाई आज का श्रृंगार तो अद्भुत है, आज का श्रृंगार तो शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, आज के श्रृंगार की कोई तुलना नहीं, कोई कल्पना नहीं, लेकिन मैं कहने में थोड़ा सा शर्म आती है, मुझे कहने में थोड़ा सा सकुचा रहा हूं, लाज आ रही। का बाबा लाज आ रही है, अरे रोज झांकी खुलते ही तुम पद गाने लगते हो, आज झांकी खुली आज आप हंसे जा रहे हो और हमने आग्रह किया तो कहा लाज आ रही है, इसमें शर्म की कौन सी बात, रोज ही तो श्रीनाथ जी को पद सुनाते हो, आज पद सुनाने में शर्म आ रही है। सूरदास जी ने कहा, भाई तुम समझो ना,
अरे समझो, तुमको तो दिख रहा होगा, मुझे तो दिखता नहीं, मुझे आज कुछ कहने में लाज आ रही। आज मैं सही सोच रहा हूं कि इस ठाकुर के इस दिव्य सिंगार का वर्णन कैसे करूं, कहां से वो शब्द ढूंढ के लाऊं जो इस दिव्य सिंगार का दर्शन कर सकूं, इस दिव्य सिंगार को पद में परिवर्तित कर सकूं, इस दिव्य सिंगार का गायन कर सकूं। वो शब्द नहीं मिल पा रहे, का क्यों नहीं मिल पा रहे? सूरदास जी ने कहा, आज जैसा सिंगार तो शायद मैया यशोदा के बाद हमने ही देखा है। का कहने में लाज आती है। वैष्णवों ने कहा कि बाबा जो भी लाज है उसे छोड़ो और आज के श्रृंगार का वर्णन कर दो। आज के श्रृंगार के वर्णन को श्रवण करने के लिए हमारे कान ललायित हो रहे हैं, हम उत्सुक हैं। बाबा एक बार बताओ जरा आज का श्रृंगार कैसा है। और सूरदास जी ने कहा, प्रेमियों, रसिकों, वैष्णवों, अगर आज के श्रृंगार का वर्णन ही सुनना चाहते हो तो लो सुनो, लेकिन सावधान हो के सुनना। लाल जी को ज्यादा निहारना नहीं, नेत्रों को नीचे कर लो और जो हम कह रहे हैं बस उसका दर्शन करो। लाल जी को ज्यादा मत निहारो। अरे जब हमें इतनी लज्जा आ रही है तो लाल जी को कितनी शर्म आ रही होगी। का बाबा बात ही बना रहे हो, पद नहीं सुना रहे हो, बात ही बनाते रहोगे? सूरदास जी ने कहा, सुनो, आज हरि देखे नंगम नंगा। और सूरदास जी ने गाना आरंभ कर दिया, श्रृंगार का वर्णन करना आरंभ कर दिया और गाया श्रीनाथ जी के मंदिर में, हो आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, हो आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। कैसे? आज गोसाई जी ने ठाकुर जी को कॉपिन लंगोटी तक भी धारण नहीं कराई। का हमने कहा ना, हमको कहते हुए शर्म आती है, लेकिन तुम्हारा भाव है तो सुन लो आज के श्रृंगार का वर्णन। आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत। भाव समझ रहे हैं? जलसुत जल में जो मिले, जलसुत कहते हैं मोती को। आज श्रृंगार में ना कॉपिन है, ना वस्त्र है, ना पटका है, ना मोर मुकुट है, ना करधनी है, ना बांसुरी है, ना पाजेब है, कुछ नहीं है, केवल एक सच्चे मोती की छोटी सी माला है श्रृंगार में। जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत। बसनहीन छवि उठत तरंगा, बसनहीन छवि उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, 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 आज हरि देखे नंगम नंगा। हो श्रृंगार का दर्शन करो साहब।
आज हरि देखे लंगम नंगा, आज हरि देखे लंगम नंगा, आज हरि देखे लंगम नंगा, आज हरि देखे लंगम नंगा। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी। हम जब प्रथम दिन भक्तमाल कहने के लिए यहाँ आए तो हमने पागलों की टोली से कहा कि भाई नियम ये है, जहाँ प्रथम बार भक्तमाल हो तो वहाँ पहले महात्म्य ही कहा जाता है, फिर किसी प्रसिद्ध भक्त का चरित्र कह देना चाहिए जिससे कि जनमानस को समझ में आ जाए भक्तमाल। तो इन्होंने कहा कि महाराज सूरदास की कथा होनी चाहिए, सूरदास जी की। हमने कहा मीरा जी की होने तो अति प्रसिद्ध चरित्र है, उन्होंने कहा सूरदास जी को सुनना है। तो हमने पहले सूरदास जी का चरित्र इतना गहन अवलोकन अध्ययन नहीं किया था, लेकिन इनके मुख से शायद ठाकुर जी सूरदास जी का चरित्र ही सुनना चाहते थे, और इनके माध्यम से हम पर भी ये कृपा हुई। अगर ये सूरदास जी के चरित्र का आग्रह नहीं करते तो आज हम ठाकुर जी के इस रूप माधुरी का रसपान नहीं करते। कौन सी रूप माधुरी का? अरे मानसी में पहुंच जाओ, लीला का दर्शन करो, आपको भी दिखेंगे क्या हो। आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी। निरख लजित रति कोटि अनंगा, निरख लजित रति कोटि अनंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। दोनों हाथ उठा के पुकारे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। श्री श्रीराज जी महाराज की जय हो, श्री गोवर्धननाथ की जय हो। किलकत दधि सुत मुख ले मन भर, किलकत दधि सुत मुख ले मन भरी, किलकत दधि सुत मुख ले मन भर, किलकत दधि सुत मुख ले मन भरी। किलकत दधि सुत मुख ले मन भर, दधि सुत क्या मक्खन माखन। ठाकुर जी का छोटा सा मुखारविंद और मन भर माखन का भोग लगा लिया ठाकुर, और छोटे से मुख में माखन की मात्रा ज्यादा हो गई और ठाकुर जी किलकारी मांग रहे हैं, मार रहे हैं। एक तो शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, ऊपर से मुख में दर्शन करो, मुख में माखन भरा हुआ है। अब माखन भी इतना भर गया कि मुख चलाना मुश्किल हो गया, तो ठाकुर जी किलकारी मारने लगे। और ये स्वरूप इस दर्शन करके सूरदास जी को हंसी आ गई, सूरदास जी मुस्कुराने लगे, और सूरदास जी ने कहा और दर्शन कराऊं, इस समय श्रीनाथ जी क्या कर रहे हैं। वैष्णवों ने कहा बाबा करा ही दो, जब इतना कराया तो सूरदास जी ने कहा सुनो, किलकत दधि सुत मुख ले मन भरे, किलकत दधि सुत मुख ले मन भरे, किलकत दधि सुत मुख ले मन भरे, किलकत दधि सुत मुख ले मन भरे। सूर हसत ब्रज जुब तिन संगा, 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 आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा,
जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण अंग विराजत। बसन हीन छवि उठत तरंगा, बसन हीन छवि उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, 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 आज हरि देखे नंगम नंगा। और वही कीर्तन गुनगुनाए, जय बल्लभ बेठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी, जय बल्लभ बेठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी, जय बल्लभ बेठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी, जय बल्लभ बेठल गिरधारी श्री यमुना जी की आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे सूरदास जी महाराज की जय, करुणानिधान की जय। जिन वैष्णवों ने ये योजना बनाई थी कि सूरदास जी की परीक्षा लेनी चाहिए, उन सब के मस्तक झुक गए श्री सूरदास जी महाराज के चरणों में और समझ गए भाई ठाकुर जी का दर्शन लौकिक दृष्टि से नहीं हो सकता। ठाकुर जी का दर्शन तो वही कर पाता है जिन्हें सरकार अपनी कृपा की दृष्टि देते, उनकी कृपा की दृष्टि के बिना बिहारी जी का दर्शन हो ही नहीं सकता। जय हो। काफी पुरानी बात है, हमारी कुटिया में एक मैया आई थी, अक्षय तृतीया के दिन वो दर्शन करने गई बिहारी जी के मंदिर में। सुनना, अब आप सब जानते हो कि अक्षय तृतीया वाले दिन कितनी भीड़ होती है बिहारी जी के मंदिर में, बड़ी मुश्किल से पहुंचा जाता। अब वो मैया जैसे तैसे लोगों की भीड़ को चीरती हुई मंदिर के अंदर गई। अब इतनी भीड़ कि मैया को दर्शन नहीं हुआ, कब मंदिर के अंदर गई और कब मंदिर से बाहर आ गई, भीड़ ही भीड़ में मैया को पता नहीं चला, दर्शन नहीं, इतनी मेहनत करके मंदिर में गई। और हम दर्शन करने आ रहे थे तो वो मैया बाहर बैठी मिली, हमारी कुटिया में ही रुकी हुई थी। हमने कहा मैया दर्शन हो गए, कहां दर्शन हुए, इतनी मुश्किल से इतनी गर्मी में तो यहां तक चल के आई, मंदिर में इतनी भीड़, जैसे तैसे मंदिर में प्रवेश भी किया लेकिन इतनी भीड़, इतने धक्के लग रहे थे भक्तों की, इतनी भीड़ थी कि कब मंदिर में प्रवेश किया और कब मंदिर से बाहर होगी पता ही नहीं चल पाया, इतनी मेहनत करने के बाद भी दर्शन नहीं हुआ। मैया थोड़ी हताश हो रही थी, हताश होने की बात भी है। हमने मैया को हिम्मत बंधाई, हमने कहा मैया उत्सव का दिन है, इस दिन उदास होने की आवश्यकता नहीं, का उदास नहीं हुई, इतनी मुश्किल से मंदिर के अंदर गई और दर्शन भी नहीं कर पाई भीड़ के कारण, वृद्ध मैया थी। हमने कहा मैया उदास होने की कौन सी बात है, अरे बिहारी जी के मंदिर के अंदर आपको प्रवेश मिला, आपको बिहारी जी का दर्शन हुआ या नहीं हुआ ये बड़ी बात नहीं, आपको बिहारी जी ने देख लिया ये बड़ी बात है, बस आपको बिहारी जी ने देख लिया ये बड़ी बात है, तेरे दीदार के काबिल कहां मेरी नजर है, ये तो आपकी कृपा है कि आपका रुख इधर है सरकार, आप हमें देख रहे हैं। तो सरकार का दर्शन तो कृपा की दृष्टि से होता है, लौकिक दृष्टि से नहीं होता। ऐसे दिव्य दिव्य प्रसंग
श्री सूरदास जी महाराज के। जो लोग राग द्वेष ईर्ष्या रखते थे वो भी भक्त बन गए सूरदास जी के। और प्रेमियों, भक्तों के जीवन में ये थोड़े बहुत व्यवधान रहते ही हैं। किसी भी भक्त का चरित्र उठा लो, किसी भी भक्त का चरित्र सीधा साधा नहीं मिलेगा। हर किसी भक्त के जीवन में कोई ना कोई कठिन कठिनाइयाँ, कोई ना कोई परेशानियाँ, कोई ना कोई परीक्षाएं रहती ही हैं। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान तो कहते हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, जब तक भगत की होए ना हासी तब तक प्रीत होए ना साची। हमने तो भक्तमाल का आश्रय लिया है तो हमको तो विश्वास है, आप जैसे जितने भी भक्त हैं, आप जिस भाव से भी अपने लाडले को लड़ाते हो ना, लाड़ लड़ाते हो, आप अपने प्यारे गोपाल जी को जिस भी भाव से प्रेम करते हो, हमारे लिए तो आप भक्त के एक एक जीवन भी भक्तमाल के स्वरूप ही है प्यारे। किसी की भक्त के भाव की तुलना हो सकती है क्या? एक बात बताओ, भक्तमाल जी में ऐसे ऐसे भक्त भी हुए हैं अब तक के समय में, अब तक के काल में ठाकुर जी के 24 अवतारों का वर्णन है, ऐसा ही है ना कि ठाकुर जी 24 अवतारों का वर्णन आया कि नहीं आया? लेकिन क्या इन 24 अवतारों में किसी ने सिलपिल्ले भगवान का भी नाम सुना है? कभी भगवान का नाम सुना है कि कोई सिलपिल्ले भगवान भी हुए हैं? सुना है? अगर सुना है तो हाथ उठा देना, और नहीं सुना है तो राधे राधे बोल देना। नहीं सुना है, लेकिन सिलपिल्ले भगवान हुए हैं। सिलपिल्ले भगवानों का वर्णन, भगवान का वर्णन किसी शास्त्र में नहीं है, किसी पुराण में नहीं है, किसी भागवत में नहीं है, किसी रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन फिर भी सिलपिल्ले नाम के भगवान हुए हैं। भाई सब भक्तों का अपना एक निज अनुभव है, सब भक्तों का अपना एक निज भाव है, और सब भक्तों का अपना एक निज तरीका है ठाकुर से लाड़ लड़ाने का। जय। तो उन्होंने कहा, महाराज हमको ऐसा लगता है कि जब जय जय श्री राधे करके हम हाथ उठाते हैं दोनों, तो हमें ऐसा अनुभव होता है मानो राधा नाम की मस्ती हमको ऐसे चढ़ जाती है, दोनों हाथ उठा के राधे राधे बोलने में तो हमें ऐसा लगने लगता है मानो कन्हैया ही हमें इस मस्ती में झुमा रहे हैं। तो हम ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे। राधा 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 Radha तो ये भाव कि उन भक्तों ने हमें कहा तो हमको अच्छा लगा। हमने कहा भाई बड़ा सुंदर भाव है, इसका तो प्रचार होना चाहिए। और अगर भक्तों के भाव का ही प्रचार साधु नहीं करेगा तो किसका करेगा प्यारे, बताओ फिर किसका करेगा? दूसरा भाव जो हमने सोचा, हमने ये सोचा कि अगर किसी व्यक्ति को तैरना ना आता और वो दरिया में गिर जाए, किसी को तैरना ना आए और वो दरिया में गिर जाए और अपने प्राण बचाने के लिए वो डूबता हुआ व्यक्ति दोनों हाथ ऊपर उठा के छटपटाता है ऐसे, अरे कोई देख ले, अरे कोई बचाए, अरे कोई बचाए, अरे भैया बचाओ, अरे भैया बचाओ, अरे भैया बचाओ, तो अगर हम जैसे भवसागर में डूबे हुए व्यक्ति अपनी किशोरी जी के लिए छटपटा जाएं राधे राधे राधे, तो कौन सा गलत है प्यारे बताओ, कौन सा गलत, कौन सा गलत? ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तुलनात्मक भाव अगर है तो सावधानी पूर्वक हम कहें और क्षमा पूर्वक हमसे कहें, अगर तुलनात्मक भाव है तो प्यारे अभी भक्ति की प्रथम सीढ़ी पे भी आप और हम चढ़ नहीं पाए हैं। जय। तुलनात्मक भाव कौन से शास्त्र में लिखा है साहब कि भगवान को झूठन खिलानी चाहिए? लिखा है कहीं? परंपरा ये है अमनिया वस्तु का ही भोग ठाकुर को लगता है, लेकिन ठाकुर जब किसी भक्त के प्रेम में, प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं, तब वो प्रेम अवतारी ठाकुर
भीलनी जैसे भक्त की, भीलनी जैसे उस नीच जन्म में नीच कुल में उत्पन्न उस भक्ता की झूठन तक को भी खा जाती। जय हो। भगवान कृष्ण किसी कर्म कांड में नहीं बंधे, भगवान कृष्ण किसी पुराणों में नहीं बंधे, भगवान कृष्ण किसी शास्त्र में नहीं बंधे, भगवान कृष्ण तो केवल भक्त के प्रेम में बंधे हुए हैं। अगर ठाकुर को नैवेद्य ही अर्पित करने से ठाकुर को भोग लगता है तो दुर्योधन की यहां क्या कमी थी। दुर्योधन ने पूरा राजभवन सजा रखा था, नैवेद्य अर्पित करे, 56 भोग सजे हुए थे, लेकिन बिना भाव के दुर्योधन का भोग स्वीकार नहीं किया, विदुरानी के घर जाके छिलके खा लिए। भाव की बात है। और हम आप सबसे निवेदन करें, आप सब अपने घर में अपने ठाकुर लाके विराजमान किए हो। ये ठाकुर आपके लिए केवल कोई मूर्ति विग्रह नहीं है, ये आपके लिए आपके प्राण ही है। जय। कोई इनको अपना बेटा बना के बैठा है, कोई इन्हें अपना पति बना के बैठा है, कोई इन्हें अपना मित्र बना के बैठा है, कोई इन्हें कुछ बना के बैठा है। अगर पुत्र बना के बैठोगे तो गोपाल जी को पुत्र के भांति लाड करोगे या परमात्मा की भांति लाड करोगे, ये बताना। अगर ठाकुर को, गोविंद को आपने अपना पुत्र बनाया है, तो जैसे अपने बेटे का लालन पालन करते हो वैसे करोगे या घंटी बजा के और शंख घुमा के पूजा करोगे, ये बताओ। क्या चैन पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। ये तो भाव की बात है प्यारे। हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि भक्त स्वतंत्र है। भक्तमाल जी में वर्णन आता है, दो भक्ता ऐसी हुई, एक जमींदार की कन्या थी और एक राजा की कन्या थी। तो जमींदार के घर कोई संत पधारे और शालिग्राम भगवान लेके आए। देखो आप सुनना, किसी शास्त्र में किसी पुराण में नहीं है, लेकिन नाभाजी महाराज लिख रहे हैं भक्तमाल में ऐसे भक्त की चर्चा। और नाभाजी कोई साधारण नहीं, नाभाजी साक्षात ब्रह्मा जी का अवतार है, स्वयं ब्रह्मा जी लिख रहे हैं। जिन्होंने वेदों की रचना की है वही ब्रह्मा जी नाभाजी के रूप में प्रकट होके ऐसे ऐसे चरित्र लिख रहे हैं, जिनको सुन के मन की स्थिति बदल जाती है साहब। वो जमींदार की कन्या जिनके घर संत पधारे, उस जमींदार के दो बेटे हैं और एक बेटी है, और संत भगवान शालिग्राम भगवान की पूजा सेवा करते, और वो छोटी सी कन्या संत भगवान को देखती और बड़ा आनंद मनाती। एक दिन संत भगवान को जाना था वहां से, और वो बेटी रो पड़ी का बाबा आप चले जाओगे तो कल से मैं ठाकुर जी का दर्शन कैसे करूंगी, बाबा आपके छोटे से ठाकुर जी हैं, मैंने इतने दिन आपको सेवा करते हुए देखा है, बाबा आप अपने ठाकुर जी मुझे दे जाओ ना। शालिग्राम भगवान, संत भगवान ने कहा बेटी तू अभी बड़ी छोटी है, अभी तू पूजा पाठ की विधि नहीं जानती, किन किन विधियों से इनकी सेवा होती है तुझे क्या पता भगवान की, कभी तू खेलेगी, कभी तू रोएगी, कभी सेवा करेगी, कभी भूल जाएगी, तो तुझे हम भगवान कैसे दे दें। अब उस भक्त के, उस कन्या के मन में तो यही भाव जगा कि बस मैं अब इन भगवान के बिना नहीं रह सकती। जमींदार के पास रोती हुई वो बेटी गई, और जमींदार ने भी बहुत समझाया अपनी बेटी को, बेटा ऐसे भगवान, अपने भगवान कौन दे देगा किसी को, का बाबा बस मेरा इनके बिना मन नहीं लगेगा, मुझे बाबा से ठाकुर जी दिलवा दो, ठाकुर जी दिलवा दो, ठाकुर जी दिलवा दो। और जमींदार भी नतमस्तक हो गया अपनी बेटी के प्रेम के आगे, और उन संत का हृदय भी पिघल गया, और उन्होंने एक युक्ति अपनाई जैसे धन्ना जाट के साथ हुआ, और उन्होंने कहा बेटी मैं आज नहीं जाता, कल जाऊंगा, लेकिन ठाकुर जी भी तुझे कल ही दूंगा, आज नहीं दूंगा। और अगले दिन वो संत सुबह जल्दी उठे और घर से बाहर निकले और सड़क के किनारे से कोई काला सा पत्थर लेके आ गए, और देखो क्या रचना रची। आज सड़क से उठाए हुए ठाकुर जी को तो ऊपर सिंहासन पर सजाया, और अपने शालिग्राम भगवान को नीचे बैठा दिया सिंहासन से, और सड़क से उठाए हुए उस पत्थर का दिव्य श्रृंगार कर दिया, सुंदर पुष्प लगा दिए, तुलसी दल अर्पित कर दिए, और अपने शालिग्राम भगवान को नीचे बैठा रखा है। अब बेटी आई का बाबा
ये दो दो ठाकुर कहां से आ गए, दो दो भगवान कल तक तो एक ही थे। तो बाबा ने कहा बेटी तुझे ठाकुर जी देने थे ना, तो मैं इसलिए एक ठाकुर जी और ले आया। अच्छा तो बाबा कौन से दोगे, कहा जो तू चाहेगी वही दूंगा। बाबा ने कहा देख जो ऊपर सिंहासन पर बैठे हैं ये तो राजा ठाकुर हैं, और जो नीचे चरणों में बैठे हैं ये सिपाही ठाकुर हैं। अब तू बता तू राजा ठाकुर लेना चाहेगी कि सिपाही ठाकुर। अब बच्चे को तो अच्छे से अच्छा ही चाहिए। तो उस छोटी सी कन्या ने कहा बाबा सिपाही तो अपने पास रखो, हमें तो राजा ठाकुर ही चाहिए। और संत भगवान यही तो चाहते थे, सड़क से उठाए हुए उस पत्थर को राजा ठाकुर का नाम बता के उस कन्या को दे दिए। और उस कन्या ने कहा बाबा इनका नाम क्या है, आपने ठाकुर जी तो दे दिए, सब ठाकुर जी के नाम होते हैं, इनका भी तो कोई नाम होगा, इनका नाम क्या है। तो संत भगवान ने कहा बेटी, बड़े मुस्कुराए और हंसते हंसते कहा बेटी तेरे लिए तेरे भगवान का नाम सिलपिल्ले भगवान है, सिलपिल्ले भगवान। जय सिलपिल्ले भगवान नाम ले दिया, खूब इस नाम का भजन करना बस। अब संत भगवान अपने शालिग्राम भगवान को अपने बटुआ में रख के बटुआ ठाकुर को लेके चले प्राण बचा के। और इधर तो उस कन्या के हृदय में भाव जागृत तो हो गया, मुझे मेरे ठाकुर मिल गए। अब दुनिया तो राम नाम का भजन करे, कोई कृष्ण नाम का भजन करे, कोई नारायण नाम का भजन करे, कोई शिव नाम का भजन करे, लेकिन वो कन्या जब भजन करने बैठती तो कहती सिलपिल्ले 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 नाम की 108 की माला करती। भला कभी सुना आपने सिलपिल्ले भगवान का नाम, कहीं नहीं है, अवतारों में है कहीं सिलपिल्ले भगवान, लेकिन भक्त के भाव के लिए ठाकुर जी नित्य अवतार लेते हैं साहब, नित्य अवतार लेते हैं। ऐसे सिद्ध हो गया भजन सिलपिल्ले नाम का कि उस काले पत्थर में ठाकुर जी प्रकट होकर उसकी सेवा को स्वीकार करने लगे। और एक दिन की घटना प्रमाणित किया कलयुग में कि भक्त का भाव कभी अधूरा नहीं रह सकता। जमींदार जो थे उसके पिता थे, उनका स्वर्गवास हो गया, दो भाई एक बहन रह गए और दोनों भाइयों में संपत्ति को लेके विवाद हो गया। छोटा भाई अलग हो गया और बड़ा भाई अपनी छोटी बहन के साथ जिसको सिलपिल्ले भगवान मिले थे उसके साथ रहने लगे। छोटे भाई के मन में संपत्ति का विवाद इतना था, इतना कलेश था, वो बड़े भाई को सुख चैन में देख नहीं सकता था। और एक दिन उसने युक्ति अपनाई, उस चोरों को पैसा देके भड़काया और अपने बड़े भाई के घर में चोरी करवा दी साहब। और चोर उस बड़े भाई को मारा पीटा अधमरा कर दिया और घर में जो सामान था सब लूट के ले गए, और सामान के साथ उस कन्या के सिलपिल्ले भगवान भी चले गए, सिलपिल्ले भगवान की पोटली भी चली गई। अब चोरी तो छोटे ने कराई थी तो सामान भी छोटे के पास ही आना था। उस कन्या ने घर में ढूंढा, सामान सब चोरी हो गया, उसको सामान का कोई दुख नहीं। उसने कहा भैया भैया रात जो चोरी हुई उस चोरी में मेरे सिलपिल्ले भगवान की भी चोरी हो गई, भैया मैं उनके बिना रह नहीं सकती। रोए बिलखे, बड़े भाई भी जानते थे चोरी किसने कराई, ये बहन भी जानती थी चोरी किसने कराई। बड़े भाई ने कहा देख तुझे भी पता है मुझे भी पता है ये चोरी किसने कराई है, अगर तू चाहे तो अपने छोटे भैया के घर जाके कह सकती है, हो सकता है तुझे ठाकुर दे दे। और वो छोटी बहन आई अपने छोटे भाई के पास, छोटा भाई आंगन में बैठा है, कुछ अभद्र लोग साथ में बैठे हुए हैं, और छोटी बहन रोती रोती आई का भैया भैया मेरे ठाकुर जी की चोरी हो गई और मुझे पता है मेरे ठाकुर जी आप ही के घर में हैं, आप ही के घर में। और उसको भी पता था कि जो सामान चोरी हुई है, सामान जो मेरे घर में आया है उसमें इसके ठाकुर जी भी आए हैं, लेकिन अपने मुख से कहे तो चोरी प्रमाणित तो हो जाएगी। अगर अपने मुख से वो कहे कि तेरे भगवान अंदर रखे हैं तो अंदर से ले जा तो चोरी प्रमाणित तो हो जाएगी। भाई मौन रहा कि नहीं हम तुम्हारे घर में कोई चोरी नहीं हुई है, चोरी नहीं कराई है,
ना ही हम कुछ सामान हमारे घर में तुम्हारा आया है, ना ही तेरे ठाकुर जी हमारे पास हैं। तभी उस भाई के बगल में बैठा हुआ इसका मित्र, जिसने व्यंग करते हुए कहा कि अगर तू इतना ही भगवान के लिए तड़प रही है तो अपने भगवान को याद कर, अगर वो भगवान इस घर में है तो घर के अंदर से बाहर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। अगर तेरे भगवान में इतनी शक्ति है तो जो अंदर बैठे हैं, जो तू कहती है इस घर के अंदर मेरे भगवान इसने चुरा के रख रखे हैं, छुपा के रख रखे हैं, वो बाहर भी आ सकते हैं। अरे भगवान क्या नहीं कर सकते। कन्या को उस व्यक्ति के शब्द तीरों की तरह चुभ गए और मन में विश्वास जगा और उसने अपने भाई के आंगन में ही पुकारना आरंभ करा, हे सिलबिल्ले भगवान, हे सिलबिल्ले भगवान, अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं अन्न जल त्याग करके अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं जीवित रहूं, अगर आप चाहते हो कि मैं अन्न जल ग्रहण करूं, तो हे सिलबिल्ले भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। रोते रोते कंठ सूख गया, आंखों से आंसू बहने लगे। हे सिलबिल्ले भगवान आओ, हे सिलबिल्ले भगवान आओ, हे सिलबिल्ले भगवान आओ। और उधर घर के अंदर से आवाज आई, मैं आया, मैं आया, मैं आया। और लोगों के सामने भी दृश्य प्रस्तुत हो गया। उधर सिलबिल्ले भगवान की आवाज जैसे ही गूंजी कि मैं आया, तो हुआ क्या, घर के अंदर से सिलबिल्ले भगवान, वो शालिग्राम स्वरूप सिलबिल्ले भगवान उठ के आए और उस कन्या के हृदय से लग गए, हृदय से लग गए, हृदय से लग गए साथ। इसी कलिकाल की घटना, एक पत्थर में ठाकुर प्रकट हो गए। कितना सुंदर भाव। उधर ठाकुर जी कह रहे हैं मैं आया, मैं आया, मैं आया, और इधर गुरुदेव सरकार का पावन आगमन हो गया। एक बार जय घोष लगाओ, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री स्वामी जू महाराज की जय, श्री बिहारी जू महाराज की जय, बोलो श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। एक पत्थर में श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। भक्त का विश्वास तो देखो, वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसका जैसा भाव, उस रूप का दर्शन उस भक्त को होता है। संत द्वारा दिए गए पत्थर में उस कन्या को ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ। कहा, अगर तेरे ठाकुर जी इस घर के अंदर हैं और अगर वो साक्षात भगवान हैं तो वो अंदर से बाहर भी आ सकते हैं। और उस कन्या ने अपने आर्त स्वर से और हृदय से पुकारा, हे सिलबिल्ले भगवान, हे सिलबिल्ले भगवान, पधारो, 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 आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, आप पधारो। इधर भक्त पुकार रहा है और उधर घर के अंदर से आवाज आई, चिंता मत कर, मैं आया, मैं आया, मैं आया। और तीसरी शब्द पर तो ठाकुर जी अंदर से निकले और तुरंत उस कन्या के हृदय से लग गए। सबने देखा, एक पत्थर में भी प्रकट हो गए। बात केवल विश्वास की है, बात केवल प्रेम की है।
तो वही भाव सूरदास जी महाराज के प्रति लोगों ने परीक्षा लेने की चाही कि जैसा श्रृंगार हो वैसा ही दर्शन कर वैसा ही पद गाते हैं, इन्हें कोई बताता तो नहीं। और जिस समय आपने सुना ही, गोसाई जी ने वो विलक्षण श्रृंगार किया और कहा बाबा अब गाओ, तो सकुचाते हुए सूरदास जी ने गा दिया, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। वैष्णवों के मन में विश्वास हो गया कि वास्तव में ठाकुर जी का दर्शन लौकिक दृष्टि से नहीं, ठाकुर जी का दर्शन तो उनकी कृपामयी दृष्टि से ही होता है। जब वो कृपा की दृष्टि दें जब दर्शन होता है, ऐसे दिव्य दिव्य लीला सूरदास जी महाराज के जीवन में रही। अब सूरदास जी महाराज नित्य ही श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते और एक दिन के बाद श्री गोसाई विठलनाथ जी महाराज श्री श्रीनाथ जी महाराज की मंगला आरती कर रहे हैं और नित्य का नियम था सूरदास जी महाराज का कि मंगला से लेकर शयन तक जब जब झांकी खुलती ठाकुर जी की, सूरदास जी ठाकुर जी को पद सुनाया करते। आज मंगला आरती गोस्वामी श्री विठलनाथ जी महाराज श्रीनाथ जी की कर रहे हैं, लेकिन आज मंदिर में सूरदास जी के पद के गायन की आवाज नहीं है। आज सूरदास जी की वो मधुर स्वर मंदिर में गूंज नहीं रहा है। आज श्रीनाथ जी का मुख कमल भी कुछ कुमलाया हुआ है और पीछे मुड़ के देखा तो आज वैष्णवों की भीड़ में सूरदास जी उपस्थित ही नहीं है। मंगला आरती की और मंगला आरती करने के बाद गोसाई जी महाराज ने पूछा किसी वैष्णव से कि आज सूरदास जी महाराज कहाँ हैं, नित्य ही तो मंगला में पद गाने आते थे, आज सूरदास जी क्यों नहीं आए। और एक वैष्णव ने कहा बाबा कल शयन आरती के बाद सूरदास जी महाराज परासोली गांव पहुंच गए और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, कुछ अस्वस्थ से मालूम हो रहे थे। तभी एक वैष्णव बोले बाबा सूरदास जी का स्वास्थ्य अत्यंत गंभीर है, शायद इसी कारण ना आए हो। गोसाई विठलनाथ जी महाराज ने कुछ वैष्णवों को सूरदास जी के पास भेजा और जाकर देखा तो सूरदास जी महाराज अपनी भजन स्थली पर श्रीनाथ जी की ध्वजा को नमन करते हुए एकटक उसको निहारे हुए लेटे हुए हैं और नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। और वैष्णवों ने कहा बाबा क्या बात है, आज आप श्रीनाथ जी की मंगला आरती में आए नहीं, कारण क्या, अस्वस्थ हैं या कोई और बात है। और सूरदास जी महाराज ने कहा भैया आज ये शरीर साथ नहीं दे रहा है, आज इस शरीर ने धोखा दे दिया, मन तो चाहता है श्रीनाथ जी का दर्शन करें लेकिन शरीर नहीं चल रहा है, तन ने साथ छोड़ दिया है, बस अब तो मन में एक ही जिज्ञासा है, जब तक इस शरीर में प्राण बचे हैं बस शरीर के रहते रहते एक बार मैं अपने गोसाई जी का दर्शन कर लूं बस। और गोसाई विठलनाथ जी महाराज साक्षात भगवान कृष्ण के ही अवतार थे, आपने सुना ही कल हरि गुरु में कोई भेद नहीं, श्री हरि ही सदगुरु देव के रूप में अवतरित होके आते हैं। और एक वैष्णव वापिस आया है गिरिराज जी में श्रीनाथ जी के मंदिर में और गोसाई विठलनाथ जी से कहा बाबा सूरदास जी महाराज आपको याद कर रहे हैं, बस अस्वस्थ बहुत हैं, उठने में भी असमर्थ नहीं है, चलने फिरने में भी असमर्थ हैं, आपको याद कर रहे हैं बाबा, बस मेरे गोसाई जी आ जाएं, मेरे गोसाई जी आ जाएं। और गोसाई जी ने कहा कि आप लोग सूरदास जी के पास पहुंचो और हम राजभोग आरती करके तुरंत सूरदास जी के पास पहुंचते हैं। और इधर गोसाई जी ने कुछ वैष्णवों को फिर सूरदास जी के पास भेजा और दोपहर के समय राजभोग आरती जब गोसाई जी ने श्रीनाथ जी की तो आरती करते करते श्रीनाथ जी के मुखमंडल को जब देखा तो देखते क्या है,
आज श्रीनाथ जी के नेत्र भी सजल हैं, आज श्रीनाथ जी के नेत्रों में भी अश्रु हैं, अश्रु है। गोसाई जी समझ गए श्रीनाथ जी के नेत्रों में अश्रु हैं, सूरदास जी अस्वस्थ हैं, गोसाई जी को समझने में देर नहीं लगी और उन्होंने आरती की और आरती करने के बाद अष्ट साहब के अष्ट सखा श्री छीत स्वामी जी, श्री चतुर्भुज दास जी, श्री नंददास जी महाराज को लेके सीघ सूरदास जी महाराज के निकट पहुंचे और उन्होंने कहा, देखो आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है, जितना हो सके उतनी जल्दी उनसे लाभ ले लो, क्यों आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है। और विठल नाथ जी महाराज पहुंचे हैं सूरदास जी के निकट। भक्त के जीवन के अंत का, भक्त के जीवन के विराम का दर्शन करो आप सूरदास जी के जीवन से। अगर आप अपने साधना के पथ पर ठीक ठीक चल रहे हैं, सदगुरुदेव के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जीवन के अंतिम क्षण आपके निकट श्याम सुंदर ना आए। गोस्वामी विठल नाथ जी महाराज पहुंचे हैं सूरदास जी महाराज के निकट और कितना सुंदर संयोग, सूरदास जी महाराज जमीन पर लेटे हुए हैं और गोसाई जी ने सूरदास जी का मस्तक अपनी गोद में ले लिया। साक्षात भगवान कृष्ण ही तो हैं, आचार्य स्वरूप में प्रकट हुए हैं और गोसाई जी ने श्रीनाथ गोसाई जी ने सूरदास जी का मस्तक अपनी गोद में रखा और गोसाई जी अपना वरद हस्त सूरदास जी के शीश पर पधराते हुए बोले, सूर कोई इच्छा है, कुछ कहना चाहते हो? कहा, महाराज बस एक ही इच्छा थी कि बस जाते जाते आपके इन दिव्य दर्शनों का लाभ मुझे प्राप्त हो जाए और आप कृपा करके पधारे हैं, अब इसके बाद शेष इच्छा बचती क्या है? आपको पाने के बाद, आपको प्राप्त करने के बाद शेष रहता क्या है सद्गुरुदेव भगवान? फिर भी गोसाई जी ने पूछा, अगर कोई इच्छा हो तो बोलो। निकट खड़े चतुर्भुज दास जी ने कहा, सूरदास जी महाराज आपने 1,25,000 पदों की रचना की ठाकुर जी के, कई वात्सल्य रस में गाया, कई श्रृंगार रस में गाया, कई दास्य रस में गाया, कई प्रेम रस में गाया, लेकिन आपने आचार्य चरण के लिए कोई पद नहीं लिखा, आपने आचार्य चरण के लिए कोई पद क्यों नहीं गाया? सूरदास जी ने कहा, देखो मेरा तो एक एक पद ही आचार्य चरण को समर्पित है, मैंने जो भी लिखा है अपने आचार्य चरण के लिए ही लिखा है। श्री बल्लभ नक्षचंद्र छटा बिनो सब जग माही अंधेरो। श्री बल्लभ, श्री बल्लभ का अर्थ श्री माने श्री जी, बल्लभ माने राधिका बल्लभ, एक भाव तो युगल सरकार और श्री बल्लभ कौन? महाप्रभु बल्लभाचार्य जी महाराज, हरि गुरु में कोई भेद नहीं है। श्री हरि श्री हरिदास हैं, श्री हरि के निज प्राण और जो समझे या संधि को सोई रसिक सुजान, सोई रसिक सुजान। का मेरी तो वाणी ही आचार्य चरण में समर्पित रही है। चतुर्भुज दास जी ने कहा, फिर भी सूरदास जी आप कुछ कहना चाहते हैं? तो सूरदास जी ने इस धराधाम को त्यागते हुए अंतिम पद गाया। अंतिम पद आप श्रवण करो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो, भरोसो दृढ़ इन चरणन। आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। श्री विठल नाथ गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सूरदास जी आप इस प्रकार रो रहे हैं, आपके निकट सब वैष्णव लोग खड़े हैं, सब वैष्णव आपको हरिनाम सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं और साक्षात आप मेरी गोद में लेटे हुए हैं, फिर रुदन का कारण क्या, ये अश्रु प्रवाहित क्यों, क्या आप जाना नहीं चाहते? कहा, सरकार ऐसी बात नहीं है, बस मुझे एक बात पे रोना आ रहा है, मैं एक बात पे पश्चाताप कर रहा हूं। किस बात पे? सूरदास जी ने कहा, सरकार बस मुझे इसी बात की ग्लानी है, इसी बात की ग्लानी है कि जीवन पर्यंत जिस सूरदास ने मस्तक के बल ब्रजरज को प्रणाम किया, आज जाते हुए सूरदास उस ब्रजरज को पीठ दिखा रहा है, पीठ दिखा रहा है। सीधे लेटे थे ना, शरीर समर्थ नहीं था उठने में, सीधे लेटे हैं, बस एक ही कष्ट है नाथ कि जीवन पर्यंत जिस सूरदास ने
इस ब्रजरज को साष्टांग दंडवत की है। आज जाते समय शरीर में इतना भी बल नहीं कि जाते जाते दंडवत कर जाऊं, आज पीठ के बल लेटा हूं, आज पीठ के बल लेटा हूं, आज जाते जाते इस ब्रजरज को पीठ दिखा रहा हूं, बस यही कष्ट है। और इतना सुनते ही विठल नाथ जी महाराज के भी नेत्र सजल हो गए और वैष्णवों ने श्री सूरदास जी महाराज को पीठ के बल मस्तक के बल लेटा दिया, उल्टा लेटा दिया। और सूरदास जी महाराज ने अपने हाथों को जोड़ लिया, साष्टांग दंडवत करते हुए ब्रजरज को प्रणाम करते हुए यही लोक की लीला को विराम देते हुए ठाकुर जी के नित्य धाम को प्राप्त कर गए, नित्य धाम को प्राप्त कर गए, ठाकुर जी को प्राप्त कर गए। बिना भक्तों के भक्ति के श्री ठाकुर जी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सूरदास जी का ये अंतिम पद आप श्रवण कर लो, बड़ा सुंदर पद है। और प्रेमियों याद रखना, अब हमने कल भी कहा था, अगर अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हो, अगर अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करना चाहते हो, तो केवल आचार्यों की वाणी का आश्रय ले लो। जय आचार्यों की वाणी से आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, आचार्यों की वाणी से आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो। आओ सूरदास जी महाराज के इस दिव्य प्रसंग को यहाँ विराम देते हुए उस पद को गुनगुना लो। सूरदास जी जाते जाते श्री ठाकुर जी को ये पद सुना के धराधाम से गए हैं, बड़े भाव से श्रवण करना। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, 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 हो दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। जय हो।
थाली में साधन और नहीं आकली सोहोत निबेरो जा सोहोत निबेरो भरोसो दड़िन चरनन के रो पुकारिए भरोसो दड़िन चरनन के ए भरोसो दड़िन चरनन के रो भरोसो तो केवल सरकार के युगल चरणारविंद में ही होना चाहिए।
श्री सूरदास जी महाराज नित्य लीला में लीन हुए। इसी भाव के साथ श्री सूरदास जी महाराज के दिव्य प्रसंग को यहाँ विराम दें। एक बार दोनों हाथ उठा के जय घोष लगाएं। बोले श्री सूरदास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। कृपा निधान की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जू की जय। जय जय श्री राधे। पूज्य गुरुदेव सरकार हम सब के मध्य विराजे हैं, उनकी करुणा वरुणालय दृष्टि हम सब पर कृपा बरसा रही है। बस दो मिनट के लिए राधा नाम लेते हुए हम वाणी को विराम देंगे, फिर गुरुदेव सरकार की सेवा में हम सब उपस्थित होंगे। और पूज्य गुरुदेव भगवान इस उत्सव में पधारे हैं, आपकी कृपा से पागलों की टोली को ठाकुर जी ने चुना है इस नगर में। दो वर्षों से प्रभात फेरी का ये शुभ संकल्प इन्होंने ले रखा है और गुरुदेव भगवान ये 23वीं प्रभात फेरी के पावन उपलक्ष्य में श्री लाडली लाल जी का उत्सव मनाया जा रहा है। अगले वर्ष अगले माह दो वर्ष हो जाएंगे इस उत्सव को, प्रभात फेरी को। आप सब सरकार से प्रार्थना करें कि ये ऐसे ही अविचल रूप से प्रभात फेरी यहाँ होती रहे, हरि नाम की रसवर्षा होती रहे। मुझे गुरुदेव सरकार के चरणों में प्रार्थना करते हुए आइए दो मिनट के लिए राधा नाम का आश्रय ले लें, फिर पूज्य गुरुदेव सरकार की वाणी का लाभ हम सब लेंगे। बस मूल बात यही है कि भक्तमाल कथा का प्रसाद यही है कि हमारी कैसे ही भगवत भक्तों में प्रीति जग जाए। बस बिना भगवत भक्तों में प्रीति जगे भगवान की प्राप्ति नहीं होती हो सकती है। तेरे भक्तों की भक्ति सदा मैं करूं, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। जब तक सरकार के भक्तों में प्रेमियों में रसिकों में अनुराग नहीं जगेगा, प्रेम नहीं जगेगा, राग ईर्षा द्वेष दूर नहीं होगी, तब तक भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। धोखा ही धोखा है। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्भयम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यं पुरेति अंगरेणुभिः। जो किसी से अपेक्षा किए बिना, जो शांत भाव से, जो निर्भय भाव से, जो सब में समान दर्शन करता हो, जब ऐसा कोई संत ऐसे कोई भक्त विचरण करते हैं तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं डोलता हूँ दौड़ता हूँ। केवल एक भाव लेके, जो इस प्रकार का भक्त जिसके हृदय में किसी के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या नहीं, जो किसी से बैर नहीं मानता, जो किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, जो सब में समान दर्शन करता है, ऐसे भक्त के पीछे मैं जब चलता हूँ तो मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि जब वो भक्त चले और उसके चलने से जो उसके चरण रज धूल उड़े और जब वो चरण रज धूल उस भक्त की उड़ के मेरे श्री अंग पर पड़े तो मैं भी अपने आप को पवित्र महसूस करता हूँ। मैं भी समझता हूँ कि आज मैं भी पवित्र हो गया, आज मैं भी पवित्र हो गया। ऐसा भाव है भक्तों के प्रति। स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं तो निवेदन मात्र इतना है भैया, ठाकुर जी के साथ साथ भगवत प्रेमियों में भी अनुराग जगाओ। बस इतना ही कहते हुए दो पल का राधा नाम आश्रय ले लो। बस भाव से मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना हे राधा रानी, कृपा बरसाए रखना हे महारानी, कृपा बरसाए रखना हे राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा।
मेरी विनती
राधा रानी हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना जय जय श्री राधे। एक बार पूरे उत्साह के साथ आप सभी बोलें, बोलिए श्री हरिदास, श्री हरिदास। इतनी जोर से बोलना कि गुरुजी को भी आनंद हो जाए कि श्री हरिदास नाम भजा जा रहा है यहाँ पर। बोलो श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। आओ अब सब मिलके पूज्य गुरुदेव के चरणों में विनती करें, प्रार्थना करें और उनकी रस सिद्ध वाणी से हम सब अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। पूज्य गुरुदेव सरकार के चरणों में प्रार्थना विनती करते हुए भाव से एक बार जय घोष लगा दो। बोलिए श्री लाडली लाल रस महोत्सव की जय हो, गुरुदेव सरकार की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, जय जय श्री राधे। बिहारी लाल की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। बोलो श्री हरदास, श्री गुरुदेव जी के श्री चरण कमलन में दंडवत करता हूं। बाकी जितने भी यहां पर संत भक्त महानुभाव समस्त मोदी नगरवासी सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। जय अब मैं स्वास्थ्य के अधीन हूं। अब ये तो चित्र विचित्र बाबा की पुकार ने और पागलों की टोली ने समस्त मोदी नगर वालों की आवाज ने इस पागल को यहां बुला लिया है। जय। अब ये मुझे नहीं पता है कि मैंने मोदी नगर को पकड़ रखा है कि मोदी नगर वालों ने मुझको पकड़ रखा है। ये कृपा है मोदी नगर दो फूलों ने ऐसा महका रखा है जो कि विश्व में इसकी खुशबू का विस्तार नहीं है। मोदी नगर को आनंदित कर रखा है, मशहूर कर रखा है,
चलो किसी भी भूमि से हमें कोई तो फूल मिले, और भी हमारे छुपे हुए बहुत फूल हैं यहाँ मोदी नगर में ही हैं इतने फूल। मोदी नगर की ऐसी बगिया है कि इसमें बड़े बड़े कीमती फूल हैं, ऐसे ही फूल खिलते रहें, ऐसे ही ठाकुर जी के नाम में मगन रहें। मोदी नगर को मोदी धाम बना दिया इन पागलों ने। जहां संत महानुभाव भक्त प्रकट होते हैं तो वो जगह अपने ही आप धाम बन जाती है। क्या बन जाती है? धाम। तो ऐसे ही हमारे जगह जगह ऐसे भक्त संत प्रकट होते रहें तो पूरा विश्व ही धाम बन जाएगा। सुंदर रज तिलक भाल बाकी भ्रकुटी विशाल, सुंदर रज तिलक भाल बाकी भ्रकुटी विशाल, रत्नारे नैनुने भरे दर्श पाऊं। सुंदर रज तिलक भाल बाकी भ्रकुटी सुंदर रज तिलक भाल बाकी भ्रकुटी विशाल, रत्नारे नैनुने हरे दर्श पाऊं। सुंदर रज तिलक भाल बाकी भ्रकुटी विशाल, रत्नारे नैनुने हरे दर्श पाऊं। बारों छवि चंद वदन शोभा सुख सिंधु सदन, बारों छवि चंद बदन शोभा सुख सिंधु सदन, नासावर कीर कोटि काम कौल जाऊं। नासावर कीर कोटि काम कौल जाऊं, अधर अरुण दशम पाति कुंद कालिका विसात। अधर अरुण दशम पाति कुंज कालिका विसात, कमल कोश आनन द्रग मधु पुले बसाऊ। कमल कोश आनन द्रग मधु पुले बसाऊ, मधुर वचन मंद हास हो तु चांदनी प्रकाश। मधुर वचन मंद हास हो तु चांदनी प्रकाश, जय जय श्री हरिदास रसिक भगवत गुण गाओ। जय जय श्री हरिदास रसिक भगवत गुण गाओ। सुंदर रज तिलक भाल बाकी भ्रकुटी विशाल, सुंदर रज तिलक भाल बाकी भ्रकुटी विशाल, रत्नारे नैनुने हरे दर्श पाऊं। रत्नारे नैनुने हरे दर्श पाऊं, रत्नारे नैनुने हरे दर्श पाऊं, रत्नारे रत्नारे नैनुने हरे दर्श पाऊं। रत्नारे नैनुने हरे दर्श पाऊं। बोलो श्री हरदास। श्री हरदास। श्यामा जू प्यारी प्यारी की,
कुंज बिहारी प्यारी की, श्यामा जू प्यारी प्यारी की, कुंज बिहारी प्यारी की, जय जय श्री स्वामी हरिदास दुलारी प्यारी की, कुंज बिहारी प्यारी, श्यामा जू प्यारी प्यारी, कुंज बिहारी प्यारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी प्यारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी प्यारी, श्यामा जू प्यारी प्यारी, कुंज बिहारी प्यारी, श्यामा जू प्यारी प्यारी, कुंज बिहारी प्यारी, जय हरिदास दुलारी श्यामा, जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा, श्यामा जू प्यारी प्यारी की, श्यामा जू प्यारी प्यारी की, है कुंज बिहारी प्यारी की, ओ कुंज बिहारी प्यारी की, स्वामी जय जय श्री स्वामी हरिदास दुलारी श्यामा जू, हरिदास दुलारी श्यामा जू, श्यामा जू प्यारी प्यारी, श्यामा जू प्यारी प्यारी, कुंज बिहारी प्यारी, कुंज बिहारी प्यारी, जय जय श्री स्वामी हरिदास दुलारी प्यारी जो, जय जय श्री स्वामी हरिदास दुलारी प्यारी जो, बोलो श्री हरदास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाश बिघरने इनके पद वंदन किए नाश बिघरने अब जो प्रसंग चल रहा है भक्तमाल रस इसी में ही घुसकर आनंद ले सके। हरि का ऐसोई सबुखे दिंग दंग दंग ना दादर कर दंदा देना दे देना दंदा देना दादर कर दंदा
को ऐसो ही सबके हो ऐसो ही सबके Thank you.
कहे श्री हरिदास यह जिय जानो, कहे श्री हरिदास यह जिय जानो, कहे श्री हरिदास यह जिय जानो। तीर्थ को समेल हरि को ऐसो ही सबके, हरि को ऐसो ही सबके, खेल ऐसो ही सबके, हाँ ऐसो ही सबके ऐसो ही सब खेल हरि को, ऐसो ही सब खेल हरि को, ऐसो ही सब खेल। श्रद्धा हरि को ऐसो ही सब खेल। स्वामी जी का पद लिखा हुआ है, आओ सुना है, कि आओ सुना मैं संतन की कहानी, आओ सुना मैं भक्तन की कहानी, आओ सुनाए संतन की कहानी, आओ सुनाए भक्तन की कहानी, आओ सुनाए संतन की कहानी, आओ सुनाए भक्तन की कहानी, आओ सुना मैं संतन की कहानी, आओ सुनावे भक्तन की कहानी, आओ सुनावे संतन की कहानी, आओ सुनावे भक्तन की कहानी। भक्तों ने गाई संतों की वाणी, भक्तों ने गाई संतों की वाणी, आओ सुनाए संतन की कहानी, आओ सुनाए भक्तन की कहानी, आओ सुनावे संतन की कहानी, आओ सुनावे भक्तन की कहानी, आओ सुनाए संतन की कहानी, आओ सुनाए भक्तन की कहानी, आओ सुनावे सुनावे आओ सुनावे, ए आओ सुनावे संतन की कहानी, आओ सुनावे भक्तन की कहानी, आओ सुनावे संतन की कहानी, आओ सुनाए भक्तन की कहानी। संगत इन साधु सौ संगत, जिनको नाम लेत दुख छूटत सुख लूटत तिर संगत, मुख्य महंत काम रति गणपत अज महेश नारायण, सुर नर असुर मुनि पक्षी पशु जे हरि भक्त परायण,
वाल्मीक नारद अगस्त सुख व्यास सूत कुलहीना सबरी सपत वशिष्ठ विदुर विदुरानी प्रेम प्रवीणा गोपी द्रौपदी कुंती आदि पांडवाहूध विष्णु स्वामी निम्बारक माधव रामानुज मगसूध लालाचारज धनुर्दास कूड़े स्वभाव रस भीजे ज्ञान देव गुरु शिष्य त्रिलोचन पटतर को कह कीजे आओ सुनाए संतन की कहानी आओ सुनाए भक्तन की कहानी आओ सुनावे संतन की कहानी आओ सुनावे भक्तन की कहानी आओ सुनाए संतन की कहानी आओ सुनाए भक्तन की कहानी भक्तन की कहानी आओ सुनाए संतन की कहानी आओ सुनाए भक्तन की कहानी आओ सुनाए संतन की कहानी आओ सुनाए भक्तन की कहानी चिंता मन चित रूप लखायो बिल मंगल हिरसीलो केशव भट्ट श्री भट्ट नारायण भट्ट गदाधर भट्टा विठल नाथ वल्लभाचार्य ब्रज के गुजर जट्टा नित्यानंद अद्वित्य महाप्रभु सची सुवन चैतन्या भट्ट गोपाल रघुनाथ गुसाई मधु गुसाई धन्या रूप सनातन भज वृंदावन तज दारा सुत संपति जास दास हरि वंश गोसाई दिन दुलराई दंपति श्री स्वामी हरिदास हमारे विपुल बिहारिन दासी नागर नबल माधुरी बल्लभ नित्य बिहार पति आओ सुनाए संतन की कहानी आओ सुनाए भक्तन की कहानी आओ सुनावे संतन की कहानी आओ सुनावे भक्तन की कहानी आओ सुनाए संतन की कहानी आओ सुनाए भक्तन की कहानी दगड़ दिन 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 दगड़ दिन 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 आओ सुनाए संतन की कहानी आओ सुनाए भक्तन की कहानी अकबर कर मैती मीरा कर्मा भाई रत्नावती मीर माधव रस खान रीत रस गाई अग्रदास नाभाद सखी ये सवे राम सीता की सूर मदन मोहन नरसी अलि तस्कर नवनीता की माधव दास गुसाई तुलसी कृष्ण दास परमानंद
विष्णुपुरी श्रीधर मधुसूदन कीपा गुरु रामानंद अली भगवान मुरारी रसिक श्यामानंद रंका भंका रामदास श्रीधरन से कंचन सदमन भक्त शंका लाखा अंगद भक्त महाजन गोविंद नंद प्रबोधा दास मुरारी प्रेम नद बीटर दास मथुर योधा आओ सुनाए संतन की कहानी आओ सुनाए भक्तन की कहानी आओ सुनाए भक्तन की कहानी आओ सुनाए संतन की कहानी आओ सुनाए संतन की कहानी आओ सुनाए भक्तन की कहानी ओ भक्तों ने गाई संतों की वाणी भक्तों ने गाई संतों की वाणी आओ सुनाए संतन की कहानी आओ सुनाए भक्तन की कहानी आओ सुनाए संतन की कहानी आओ सुनाए भक्तन की कहानी सीता प्रभुता झाली गोपाली भाई सुत विसदिया पूज सिलकिले भक्ति रसीली पाई पृथ्वीराज थे माल चतुर्भुज राम रसिक रस रासा आस्करन मधुकर जय मल नृप हरिदास जन दासा सेना धना कबीरा नामा कुवा सदन कसाई वार मुखी रह दास सभा में सही न श्याम हसाई चित्रकेत प्रहलाद विभीषण बल ग्रह बाजय वामन जामवंत हनुवंत गीत गुह किए राम जे पावन प्रीत प्रतीत प्रसाद साधु सो इन्हें इष्ट गुरु जानो तजिए सरमर याद वेद की तिनके हाथ बिकानो आओ सुनाए संतन की कहानी आओ सुनाए भक्तन की कहानी आओ सुनाए संतन की कहानी आओ सुनाए भक्तन की कहानी भक्तों ने गाई संतों की वाणी भक्तों ने गाई संतों की वाणी आओ सुनाए संतन की कहानी आओ सुनाए भक्तन की कहानी आओ सुनाए संतन की कहानी आओ सुनाए भक्तन की कहानी व्यवहार हमारो अभिमानी ते न्यारे भगवत रसिक रसिक पर कर कर सादर भोजन खावे ऊंचो कुल आचार अनादर देख ध्यान नहीं आवे हम सो इन साधुन सो पंगत
जिनको नाम लेत दुख छूटत सुख लूटत संगत आओ सुनाए संतन की कहानी आओ सुनाए भगतन की कहानी आओ सुनाए संतन की कहानी आओ सुनाए भगतन की कहानी हो भक्तों ने गाई संतों की वाणी भक्तों ने गाई संतों की वाणी आओ सुनाए संतन की कहानी आओ सुनाए भगतन की कहानी आओ सुनाए संतन की कहानी आओ सुनाए भगतन की कहानी हो 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 युग के भक्त संतन की श्री भक्तमाल जू की जय संत समागम की जय 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 श्री राधे दखल ना थी प्रेम था मालिनी कुबुजा की कोई शक्ल ना थी प्रेम था कौन से हीरे जड़े थे उस नरसी की करताल में बन में जाके था क्या खाया द्रौपदी के थाल में धैन्य की पूजा में कोई अकल ना थी प्रेम था मालिनी कुब्जा की कोई शक्ल ना थी प्रेम था भीलनी के भेर खाए उनमें क्या औकात थी दरअसल हीरे चमन एक प्रेम की बात थी दरअसल हीरे चमन एक प्रेम की ही बात थी धिंगा धिंगा दिना दा दिना 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 मीरा मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई वो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई हो श्याम रंग
मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई रे मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई हर दीवानी हो गई मस्तानी हो गई दीवानी हो गई मस्तानी हो गई दीवानी हो गई ए मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई सब छोड़ी राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी श्याम रंग में रंग के चूनर मीरा जी ने ओढ़ी श्याम रंग में रंग के चूनर मीरा जी ने ओढ़ी श्याम रंग में रंग के चूनर मीरा जी ने ओढ़ी बबरिया हो वो मीरा मीरा वो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे
मीरा मस्तानी हो गई है, मीरा दीवानी हो गई है, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओढ़ चुनरिया श्याम रंग की मीरा भाई दीवानी, ओढ़ चुनरिया श्याम रंग की मीरा भाई दीवानी, श्याम रंग में ऐसी रंग गई हो गई अमर कहानी, श्याम रंग में ऐसी रंग गई हो गई अमर कहानी, श्याम रंग में ऐसी रंग गई हो गई अमर कहानी, वृंदावन की गही डगरिया मीरा हो, मीरा मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, हाँ श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा हो गई है, मीरा दीवानी हो गई है, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई है, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई है, मीरा मस्तानी हो गई है, श्याम रंग में रंगी चुनरिया बोलो श्री हरदास। लिख दी है
बंदगी तेरे नाम लिख दी है हो जिंदगी तेरे नाम लिख दी है बंदगी तेरे नाम लिख दी है बुलंद हैं मगर दम नहीं है फिर भी ये पागल किसी से कम नहीं है प्यारे कुछ बिहारी की ऐसी ही आज्ञा हुई है हे करुणा मई कृपा मई ओ मेरी दया माई राधे करुणा माई कृपा माई मेरी दया माई राधे करुणा माई कृपा माई मेरी दया माई राधे करुणा माई कृपा माई मेरी दया ओ मेरी दया मई श्यामा मेरी दया मई श्यामा मेरी कृपा मई राधे मेरी कृपा मई राधे पानी सा करुणा माई कृपा माई मेरी दया माई राधे करुणा माई कृपा माई मेरी दया माई राधे करुणा माई कृपा माई मेरी दया कृपा माई
दया मई राधे करुणा मई कृपा मई मेरी दया मई राधे। बोलवा के बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बोलो श्री हरदास।